5 साल पहले मैंने इसी पुलिस स्टेशन में ड्यूटी ज्वाइन की थी सर। उसके बाद कई सब इंस्पेक्टर आए और गए, लेकिन आप पहले ऐसे एसआई हैं जो इस केस के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, वो भी ड्यूटी के पहले ही दिन। अच्छी बात है, पर मैं एक राय देना चाहूंगा सर, यहाँ थोड़ा आराम से काम कीजिए। ये बहुत डेंजरस एरिया है सर, और जिस केस की आप बात कर रहे हैं उसकी तो शायद फाइल भी नहीं बनी। ये केस सिर्फ एक अफवाह है सर, मेरे कानों तक भी ये बात उड़ते उड़ते ही पहुंची है। कोई बात नहीं, कभी कभी अफवाहें दिलचस्प होती हैं। तुम बताओ। ये घटना 8 साल पहले घटी थी। यहाँ कबूतर की प्रतियोगिता आम बात है, ऐसी ही एक प्रतियोगिता की वजह से ये मर्डर हुआ था सर। कबूतरों की प्रतियोगिता, ये क्या होता है? दो तरह के कबूतर टूर्नामेंट्स होते हैं, जिसमें पहला है हवा में अलग अलग करतब दिखाना, डाइव लगाना वगैरह, और दूसरा कंपटीशन है घर लौटने की रेस। इसके दांवपेच थोड़े अलग है। इसमें हर प्रतियोगी 5 से 10 कबूतर उतारता है। रेस से एक दिन पहले ये लोग अपने कबूतरों को लेकर रेस क्लब पर पहुंचते हैं। हर एक कबूतर पर टैग लगाया जाता है, एक सीक्रेट कोडेड रिंग कबूतर के पैर पर बांध दिया जाता है। फिर इन सभी कबूतरों को पिंजरों में रखकर ट्रक में या ट्रेन में कहीं दूर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। हर रेस की लंबाई के हिसाब से अलग अलग शहर चुने जाते हैं, जैसे कि चेन्नई, मदुरई, त्रिची वगैरह। वहां पर इन सभी पिंजरों को लाइन में रखा जाता है और फिर सभी को एक साथ खोला जाता है। ये कबूतर चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, वो उड़कर वापस अपने मालिक के पास पहुंच जाते हैं, और जो सबसे पहले पहुंचता है वो जीतता है। है ना कमाल की बात सर? ये प्रतियोगिता बहुत ईमानदारी से आयोजित की जाती है। इसमें सट्टेबाजी नहीं होती, पर दुश्मनी जरूर हो जाती है, और वो दुश्मनी ही वजह बनी उस मर्डर की। आज भी बंद दरवाजों में उस मर्डर की बात होती है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं। किसने किया था वो मर्डर? यहाँ का एक बहुत बड़ा भाई है सर, कोलवेलु, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। पूरे शहर पर उसका राज चलता है। वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। सालों से वो इस प्रतियोगिता का शौकीन रहा है। वो मर्डरर उसकी गैंग से ही है, एक 22 साल का नौजवान जो उस वक्त एक गैंगस्टर भी नहीं था। वो तो कबूतरों को पालता था, कोलवेलु के कबूतरों की देखभाल वही करता था। एक रात दूसरी गैंग के कुछ लोग आए और उसके एक फेवरेट कबूतर का गला काट कर चले गए। बस फिर क्या था, उसने उस गुंडे पर चाकू से हमला कर दिया, उस गुंडे पर जिससे पूरा शहर कांपता था। इस तरह कबूतरों की देखभाल करने वाला एक मामूली लड़का क्रिमिनल बन गया, और पिछले 8 सालों में वो इतना बड़ा भाई बन गया है कि हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। क्या नाम बताया उसका? मारी, राउडी हीरो। कोलवेलु का होल्ड बहुत से एरिया में है, उनमें से एक एरिया मारी को दे दिया है। हर महीने की 1 तारीख को वेलु को अपना कट मिल जाता है। वेलु का मेन बिजनेस तो लाल चंदन की स्मगलिंग है। हमारे देश के दक्षिण में चलने वाला ये एक बहुत बड़ा इलीगल बिजनेस है। इस लाल चंदन को विदेशों में बेचकर करोड़ों कमाए जा सकते हैं। वेलु के खिलाफ बहुत सारे केस दर्ज हैं और कई दुश्मन भी हैं, इसीलिए वो कभी सामने नहीं आता। वो अपने सारे गैर कानूनी काम मारी से करवाता है। वेलु की गैंग में एक और आदमी भी है, पप्पू पंछी। वो भी वेलु के बिजनेस में हिस्सेदार बनना चाहता है, लेकिन वेलु का फेवरेट है मारी। मारी के एरिया में वेलु कभी भी कोई दखल नहीं देता, मारी उसे शिकायत का मौका ही नहीं देता। ए, अब हफ्ता निकाल वरना पिछले हफ्ते की तरह तेरी दुकान फिर तोड़ दूंगा। अरे देखो तो यार, दिन दहाड़े डकैती कर रहे हैं, क्या यहाँ इंसाफ दिलाने वाले कोई नहीं है? क्यों बे, ये अपनी चप्पल घिस के इस कड़कती धूप में और तपती हुई जमीन पर तेरे से इतने प्यार से हफ्ता मांग रहा है? हा? तो तू प्यार से दे नहीं सकता है? और तू अपने आप को गुंडा कहता है, इससे प्यार से बातें क्या कर रहा है? 3rd degree वसूली कर। एक नंबर का गुंडा है। जब गुस्से में आता है वहाँ खड़े लोग भाग जाते हैं, पर एक बात है, जब वो अपने कबूतरों के साथ होता है उसका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। एकदम नर्म दिल, परिंदों से प्यार करने वाला, कोई देख कर नहीं कहेगा कि ये वही गैंगस्टर है। कई सालों से वेलु इस प्रतियोगिता को चला रहा था, अब उसने ये काम मारी को सौंप दिया है। ये बेईमान इन कबूतरों के टूर्नामेंट्स को ईमानदारी से करते हैं। ये टूर्नामेंट सीनियर रेसर्स के निगरानी में करवाए जाते हैं। अगर कोई जरा सी भी चीटिंग करता है वो मासूम मारी से राउडी मारी बन जाता है। आ, 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 आ,
क्या उस एरिया के लोग उसे पसंद करते हैं? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। बस दो तीन मवाली लड़के उसके दोस्त हैं। एरिया के बाकी सभी लोग उससे तंग आ चुके हैं सर। एक नंबर का लफंगा है। सिर्फ मजा लेने के लिए वो लोगों को डराता है, उन्हें अलग अलग तरीकों से परेशान करता है। एक बार वो बाल कटवाने गया, अपनी बारी आने से पहले ही वो सीट पर बैठने जा रहा था। एक कस्टमर जो वेट कर रहा था उसने उसे रोका और वो सीट पर बैठ गया। बस फिर और क्या था, वो अपना सर मुंडवाने के बाद ही उस सीट से उठा। और अभी पिछले महीने की ही बात है, शराब के नशे में धुत होकर एक टीवी शोरूम में वो मैच देखने जा पहुंचा। वन बॉल थ्री रन, हाउ इज पॉसिबल? उस दिन इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का मैच चल रहा था और बदकिस्मती से इंडिया मैच हार गया। दुकान का मालिक कौन है? बाहर निकल! अरे ये क्या कर रहे? ये टीवी दुश्मन देश के जासूस हैं जो इंडिया की हार दिखा रहे हैं। ये सब तेरी गलती है भाई। इसने इंडिया हार गई। साले कमीने टीवी! बड़ों को क्या, वो बच्चों को भी नहीं छोड़ता। बच्चों को नहीं छोड़ता मतलब क्या है? अरे हफ्ता वसूली करना है, ऐसा ही स्टाइल रहता है भाई। ये इधर आ रहे, चलो निकलो। यहाँ तक कि अपने साथ घूमने वाले रॉबर्ट नाम के एक पंटर को वो धुलाई की दुकान बुलाता है। जब भी मारी को गुस्सा आता है वो किसी को भेजकर रॉबर्ट को बुलवाता है। रॉबर्ट की धुलाई करने के बाद ही उसका गुस्सा ठंडा होता है। आज जम्मू में बर्फ क्यों नहीं गिरी? अजय कालिया से पूछो ना। साला आज इतनी गर्मी क्यों है? थोड़ी बारिश लाना। ये मॉर्निंग इतने सुबह सुबह क्यों आ जाती? आप नहीं तो उठाने के लिए बोला था। साला मेरे को जवाब दे दे। साला रात को डरावना सपना देख रहा था, उठा नहीं सकता था, गधा कहीं का। ऐश्वर्या ने अभिषेक से शादी कर ली, किसी मिसिंग ने मुझसे शादी क्यों की? उसके साथ घूमने वाला एक और पंटर है, उसका नाम है शनिवार। शनिवार, ये कैसा नाम है? अभी शनिवार को दारू पीना तो आप उनके लिए एकदम कंपलसरी है। यानी बाकी दिन तुम्हारा ड्राई डे? अब ये कौन बोला? इसमें बोलने का क्या है, ऐसी होगा ना? ऐसा नहीं है, पागल है तू। बाकी दिन पीना तो और भी जरूरी है। तो सिर्फ शनिवार को पीना कंपलसरी क्यों? शनिवार को पीना तो आप उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। खोपड़ी गुजारा है, हो गया कंफ्यूज। ये शनिवार अपने एरिया में से कुछ अलग अलग लोगों को सिलेक्ट कर लेता है और फिर मारी के सामने ले जाकर उनसे डांस शो करवाता है। किसी को डांस आए ना आए इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मॉर्निंग भाई, जब जागो तभी सवेरा नया मुहावरा है। भाई मैंने भी खड़े खड़े बनाया। आई आर द वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल टुडे नाइट वेरी स्पेशल प्रोग्राम बाय मारी एंड हिज टीम। सो प्राउडली प्रेजेंट द गेम हंसाओ या मरो। ये कैसा नाम है, हंसाओ या मरो? डांसर डांस करेगा और अगर मारी को हंसी नहीं आई तो डांसर मरेगा। अबे ब्रेन चेंज करना रे। कैसा लगा भाई? ए इसके ठुमके में पंच नहीं है, मार रे इसको। निकाल ठुमका, निकाल ठुमका। अभी निकला ठुमका, अच्छे से कर रहा है। सामने देख के करना। अब बहुत हो गया, अगले को पेश किया जाए। आ जा, चल अभी तुम अटक। ये स्लो मोशन, ये तो मीना कुमारी है, कैटरीना वन। चल शाबाश। अरे पता है भाई के सामने डांस करना है तो कोर्स करके आने का ना डांस का। ये सब होता है यहाँ, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। लोग उससे बहुत डरते हैं सर। कल ही यहाँ एक टूर्नामेंट हुआ था और हमेशा की तरह मारी ही जीता। उसके एरिया में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। आज वेल्लू भाई का हैप्पी बर्थडे है। अगर हंसाओ या मरो डांस शो फ्लॉप हो गया ना तो तेरे को ही नचवाऊंगा। अपन ने बॉस के लिए एक बहुत ही स्पेशल आइटम का इंतजाम किया है। नाजुक वाला क्या भंगार लेके आया है? रूही से भी हल्का है। चल दिखा। नीचे रख। कमिंग आउट आउट। कैसा लगा? ये क्या चीज है? आइटम का नाम दिलरुबा है। दिल कौन सा दिल? रुबा रुबा रुबा। हंसाएगा कैसे? कमर हिला के। ये लेडी शकीरा और माइकल जैक्सन का कॉम्बो पैक। चल एक सैंपल दिखा। hey, मुझे कुछ बजाने के लिए चाहिए। hey, बजाने का आइटम दे रहे इस आइटम को। वेट वेट, कूल मैन, कूल कूल। अपन सिर्फ लोगों को बजाता है, तू क्या बजाता है वो दिखा। ओके ओके, आई विल डू इट। खुश होना चाहिए। चल ए छी छी,
ये कैसा हुलिया है तेरा, टोपी चश्मा जैकेट, ए ये सब हटा, इसका मेकअप करके ला रही। आजा तेरा हुलिया बदलता हूं। ए, 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 मैं नाजुक हो रहा है। हमें उन्हें नजरअंदाज करके अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना चाहिए। हाँ। वैसे अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? मारी के एरिया में जा रहे हैं हम। सर, मुझे टिप मिली है कि कबूतर प्रतियोगिता में लीगल तरीके से बैटिंग होने वाली है। आज उन्हें दिखाता हूँ पुलिस की असली पावर। लेकिन सर, बिना उसकी परमिशन के उसके एरिया में कैसे जाएंगे? क्यों, हम पुलिस हैं या वो पुलिस है? जीप स्टार्ट करो। ए, कबूतरों की रेस से तुझे इस साल बैन किया था ना, फिर इधर क्या कर रहा है? चल वनटास की टैबलेट ले। रेस देखने आए, वो देखने पे भी बैन है क्या? उर, ए, निकलना, चल रहे। देख देख, झकास पलटी मारी ना। ए बुढ़ाऊ, मस्त है ना? फर्स्ट क्लास था। ये क्या रे, इतनी जल्दी लैंड कर रहा है? इसको च्यवनप्राश नहीं खिलाया क्या? वो आंटी कौन है? आप उनके कबूतरों को वटका रहे लिए पागल समझा क्या बे? मैं उस औरत को जानता तक नहीं। क्या भाई, कुछ भी बोल रहे हो आप? ए मैडम, यहाँ टूर्नामेंट चल रहा है, कहीं और कपड़े सुखाओ। ए, ये इसी की बीवी है? नहीं, नहीं। अपनी जोरू को ही पटाया, जीतने के लिए इतना गिर गया। शादी के बाद भी कोई बीवी को पटाता है क्या? ये तो इसी का माल है ना, 100% इसका ही है। ए बुढ़ाऊ, तू लिख किसने चीटिंग की ला? ए बीवी के कंधे पे रख के कबूतर उड़ाता, तू क्या तेरे पे? अभी ये लोग इधर क्या करने आए? हर बार की तरह कीड़ा करने आए होंगे यार। क्या देखो, एक तो बिना परमिशन के इधर घुस आए और ऊपर से मारी भाई का नाम भी इज्जत से नहीं ले रहा है। मुझे खबर मिली है कि यहाँ बैटिंग हो रही है। बैटिंग यहाँ? ए, इन्हें किसी ने उल्लू बनाया है? हम तो इधर सिर्फ कबूतरों को उड़ाते हैं, उनको उड़ता हुआ देख के मजा आता है। यहाँ बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं होती है। बिना पुलिस परमिशन के ऐसी प्रतियोगिता करना बिल्कुल अलाउड नहीं है। इसी वक्त इसे रोक दो और मारी को बुलाओ। और तुम इस भीड़ को हटाओ पीछे। क्या लफड़ा हो रहा है उधर? पीछे हटिए। लोग से प्रोटेक्शन मांगने आए क्या? नहीं भाई। तो फिर पुलिस वाले का इधर क्या काम है? जहां गुंडागर्दी होगी वहीं पुलिस वाला भी होगा। गुंडागर्दी? हम तो शांति से इन कबूतरों को उड़ाते हैं, तो आप इसको गुंडागर्दी कैसे बोलते हो सर? हम तो इनको अपने सम्मान के लिए उड़ाते हैं, ना कि बैटिंग के लिए। लगता है आप उनके किसी दुश्मन ने आपको गलत खबर दी है। दुश्मन उन्हीं के होते हैं जो गलत काम करते हैं। चले जाइए सर, आप उन पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। ऐसी धमकियों का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे पास एविडेंस है जो तुझे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। एविडेंस, 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 एविडेंस। बंदर की शक्ल इधर आ। अरे इधर आना, आजा 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 आजा, जल्दी आ। आजा रे। क्यों बे, पिछले साल तूने चीटिंग की तो तेरी क्या हालत की थी मैंने पता है ना। इस बार तो तेरी एंट्री फीस पर ही मैंने बैन लगा दिया, लेकिन इस बात के लिए तेरे को पुलिस वालों को मेरी झूठी कंप्लेंट देने की क्या जरूरत थी? नॉटी। सुन, यहाँ पे कोई इल्लीगल काम नहीं होता। मुझे कुछ नहीं बोला है। अरे जाने दे, मुझसे बात कर। आप अच्छे से जानता है इसको। बोलना, बता ना साहब को क्या बोलना है। क्या कर रहा है? डरता है क्या? बोलेगा नहीं क्या? अबे मुंह में जबान नहीं है क्या तेरे? सर, कंट्रोल सर। पूछो इससे, यहाँ पे कोई गलत काम होता है क्या? वट लो। चलिए सर, चलते हैं। चलिए। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। अरे
आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत की कार्ड डालूंगा। पुलिस वाले को सिर्फ एक ही बार अच्छे से बोलता है। सर, इस बात को दिल पे मत लीजिए। हम और कर भी कह सकते हैं, उसके ऊपर बड़े लोगों का हाथ है। थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे सर। सिर्फ आप ही नहीं, दूसरे पुलिस वाले भी एडजस्ट करते हैं। मैं दूसरे पुलिस वालों जैसा नहीं हूँ। उसने मर्डर किया है और इसके लिए अगर मैं उसे लॉकअप में नहीं डाल सकता तो मेरी इस वर्दी का क्या फायदा? सर, अफवाह के आधार पर हम क्या कर सकते हैं? अफवाह का धुआं वहीं उठता है जहां पर सच की आग जलती है। किसी ने तुम्हें इस बात की खबर दी और उसे किसी और ने दी होगी। अगर हम एक सिरे से इन अफवाहों की कड़ियों को जोड़ते जाएं तो दूसरे सिरे पर हमें सच जरूर मिलेगा। कल से हम यही करेंगे और हमारी ये खोज मारी पर आकर ही खत्म होगी। मम्मी, मम्मी, आपने कहा था ना मुझे नया स्कूल बैग दिलाओगे? यहाँ घर चलाने के लिए पैसे नहीं है और तुझे नया बैग चाहिए? कुछ दिन पुराने वाले बैग से ही काम चला लो। बैग फट चुका है माँ, स्कूल में सब मुझे चिढ़ाते हैं। शाम को आओगी ना तब सी दूंगी। जब देखो कुछ ना कुछ चाहिए चाहिए चाहिए। कल अगर नया बैग नहीं मिला तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। तुझे जाना है तो जा, नहीं जाना है तो मत जा। मुझे क्या? मम्मी मम्मी प्लीज दिलाओ एक नया बैग, प्लीज मम्मी। ए, लाउड स्पीकर कविता, मेरा मूड ऑफ है तो सुबह सुबह मेरे मुँह मतलब कह देती हूँ। लो देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे चिल्ला चिल्ला के मेरी नींद उड़ा दी और मूड ऑफ हो रहा है तेरा। तेरी तो आवाज भी कितनी भद्दी है। मम्मी मम्मी, लगता है मेंढक निकल लिया हो। बट मम्मी, इसको कुछ बोलो ना, जब देखो तो चिढ़ाता रहता है। क्या कहे, वो एक नंबर का लफंगा है, उसके मुंह ही क्यों लगती है? सोच लो कि वो यहाँ है ही नहीं। तुमसे बात करना दीवार पर सिर फोड़ने जैसा है। फिर तू कौन सी कम है, उठते ही बच्चे के साथ बहस करने बैठ जाती है। बैग ही तो मांग रही है बेचारी, ला क्यों नहीं देती? अच्छा, पैसे कहाँ से आएंगे? तेरा आदमी दो दिन शराब नहीं पिएगा तो पैसे आ जाएंगे। तुझे इतनी पड़ी है ना तो तू ही लाके दे देना। अगर आप उनसे शादी कर ली होती तो जरूर ला देता है, चांस मिस किया ना। बदतमीज। इमारी, क्या तुमको मालूम था कि 8 नंबर में कोई किरायेदार आने वाला है? नहीं, अपन को तो किसी ने कुछ नहीं बोला। मतलब वो बिना परमिशन के अपन के एरिया में एंटर कर गए? अबे एमएफ हुसैन की औलादो, पेंटिंग रोको और उधर ही स्टेच्यू हो जाओ। बिना परमिशन के इधर पेंटिंग करने का नहीं, समझा क्या? अब उनका कुछ इज्जत है कि नहीं इधर? मैडम आप बाहर जाओ, अबे तो स्टेच्यू है। अरे तुम खाली क्यों खड़े हो? ये लो घड़ी को दीवार पे टांगो। क्या? आंटी जी ने बोला टांग दो। तो एक काम कर, अंदर जाके चाय बना ले। तेरा दिमाग खराब है कि तू इधर हुल देने आया कि घड़ी टांगने आया? ये क्या किया, घड़ी क्यों तोड़ दी? ए आंटी, बिना परमिशन के इधर एंट्री मार के हमारी इज्जत का भाजी पाला कर डाला, ऊपर से हुल देती हो। ए, कौन हो तुम लोग, क्यों शोर मचा रहे हो? शाने, इस एरिया में रहने के लिए मारी बाई का परमिशन लगता है, समझा क्या? अच्छा, गुंडागर्दी कर रहे हो? नहीं नहीं, अभी तक तो कॉमेडी कर रहा था, गुंडागर्दी तो इससे कहते हैं। ये गुंडा और ये गर्दी। रुको, हमारे ब्रोकर ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया था। ये तो कह रहा है कि इसने बताया है। क्या? नहीं सर। ए, कब बताया तुमने हमें? आप लोग को नहीं बताया था तो फिर? उनको बताया था। मर्द पे हाथ उठा दिया। ए मारी ब्रो, शी इज द ओनली लेडीज। गैर मर्द को छूती है। तू लेडीज नहीं होती ना तो तेरी बत्तीसी तोड़ देता। अरे देखो ऐसा मत करना, कल ही इसने दांतों में सीमेंट भरवाया है। तो फिर दो बार ब्रश करने का ना, इसमें अपन लोग की क्या गलती? अपन लोग तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। वही तो। हसीना, ब्रोकर ने तुम्हें बताया था क्या? हाँ, तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? माँ, हम इन गुंडों को पैसे क्यों दें?
कल जब मैं बुटीक खोलूंगी ये लोग फिर से पैसे मांगेंगे। ओ, तो मदर डॉटर यहाँ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने वाले हैं। अरे जाहिल, ब्यूटी पार्लर नहीं बुटीक। माँ, इन्हें कौन सा उन दोनों में फर्क पता होगा? मेरी बात सुनो। उंगली दिखा दिया, नीचे कर, पुट डाउन। ये मेरा घर है, मेरा जो मन करेगा वो करूंगी, समझे? ए मैडम, तू ब्यूटी शॉप खोल या बुटीक शॉप खोल, चाहे तो इसको भी काम पे रख ले। तेरे को जो करना है वो कर, लेकिन इन सबके लिए प्रोटेक्शन कौन देगा? इसलिए आप उनको अपना कट दे दे, लाइफ टाइम प्रोटेक्शन गारंटेड। प्रोटेक्शन? किससे प्रोटेक्शन? नहीं दिया तो क्या होगा? अरे कुछ भी हो सकता है, वो कांच टूट के बिखर सकता है। मेरा दहेज। देखा ना, वो अलमारी गिर कर टूट सकती है। बेटी का दहेज। भारी है मारी, कोई हल्का आइटम बोलो ना। ऐसा क्या, वो टीवी भी गिर के टूट सकता है? नहीं नहीं, सास बहू का क्लाइमेक्स है। सुनिए जी, दे दीजिए ना इन्हें जो चाहिए। ये लीजिए मेरा टीवी। ये तो घर का हुआ, अभी बुटकी का निकालो। बुटकी जो भी है, अंग्रेजी नाम का डबल अमाउंट। अभी तो हमारे पास पैसे नहीं है, थोड़ा टाइम दीजिए, दे देंगे हम। चलो दिया टाइम। देखो मैं पुलिस के पास जाऊंगी। तो पुलिस स्टेशन हम छोड़ देते हैं, अगली वसूली हमें वहीं से करनी है। मस्त कॉमेडी करती लड़की। भाई, आप जैसे उस लड़की को देख रहे थे ऐसे लग रहा था आप लव में गिर गए। भाई का लव, पहली बार किसी लड़की के कान के नीचे सुझाने का मन किया था, लेकिन लेडीज लोग को अपनी इज्जत देता है इसलिए छोड़ दिया। लेकिन भाई, मैंने करण शौहर की फिल्मों में देखा है कि हवा चलती है और हीरोइन स्लो मोशन में हीरो को गाली निकालती है, फिर हे हे करती है और हीरो को हीरोइन से प्यार हो जाता है। साले कितनी बार बोला कि उस नल्ले की पिक्चर मत देखा कर, साला इस लड़की के प्यार में पड़ने से अच्छा मैं बीमार पड़ जाऊँ। फिर तो मेरा रास्ता साफ है। क्या बोला? रास्ता साफ है, आगे ट्रैफिक नहीं है। वो फूलन देवी जरूरत से ज्यादा ही उड़ती है, उसको कंट्रोल में रख। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, संभाल कर, थोड़ा ऊपर, वो वही ठीक है। अच्छा है। संभाल के ऊपर ले। हाँ, ऊपर ऊपर। अबे क्या कर रहा है, सीधा ऊपर ले, ऊपर। हाँ बस बस ऊपर, ये ठीक लग रहा है भाई। हेलो, इसे यहाँ क्यों लगा रहे हो? हर साल इधर ही लगाते हैं, यही हमारा लकी स्पॉट है। यहाँ लगाओगे तो हम अंदर कैसे जाएंगे? इज्जत से सर झुका के, जैसे मारी भाई के आगे दुनिया झुकती है। चल फोटो यहाँ से। अभी तो अंदर जाने दे रहे हैं, वरना बारिश होना पड़ेगा। आंखों से गोली मारो ना भाई। पसंद आया? मुझे तो आया भाई। लगता नहीं है। कालिया के मैं क्या कह रहा था? हाँ, ऊपर ले, थोड़ा ऊपर। अरे गांव वालों सुनो, आगे बोलो, कूद जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे ये अपुन का स्टाइल है। मारी बॉयज की तरफ से हवाई गोताखोर कबूतरों का मुकाबला खत्म हो गया है और अभी पिराई डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जीतने वाले चुपचाप इनाम लेके जाओ। अरे हाँ, एक जरूरी अनाउंसमेंट तो रह गया। क्या? कुछ नकारा नल्ले लोग अपने कबूतर यहाँ सिर्फ इसलिए उड़ाने आते हैं ताकि अखबार के आखिरी पेज में उनकी सड़ेली शक्ल की फोटो छप जाए। उनके लिए हमने QLX से जूने बर्तन खरीद के रखे हैं। अटल भाई, जो भी है बांट दें गरीबों में। ओके मारी, गोइंग क्लबिंग। अभी मारी जी पुराने खिलाड़ियों और जजों को कंबल से लपेटेंगे। ये लिया लपेटे में क्लैपिंग। और हर साल की तरह इस साल भी मारी जी के कबूतरों ने दूसरे कबूतरों को लोहे के चने चबाकर मारी जी को पहला इनाम जितवा दिया है। सब लोग ताली में जाके मुस्कुराते रहिए क्योंकि अखबार में किसी का भी फोटो छप सकता है। हम तो अपने कबूतरों को इतने महंगे इंजेक्शन लगवाते हैं, फिर ये मारी के कबूतर ही क्यों जीतते हैं? मार्केट में हमारे कबूतरों की कोई वैल्यू ही नहीं है। जानते हो, दिल्ली और कलकत्ता में भी उसी के कबूतरों की डिमांड है। कल से सब कुछ बदल जाएगा। और अब बुलाऊंगा ग्रेट लूजर जो सिर्फ हारने के लिए पैदा हुआ है, पप्पू बंची। ए, तू जा कर ले गया। ए, पप्पू बंची तू है ना, ऊपर आ चल। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये लो, डालो बट्टा गले में। हाँ डालो। डाली डाली डाली। बस बस, बहुत हुई। बस करो बस करो। इस बार की हवाई गोताखोर कबूतर प्रतियोगिता पप्पू पंछी जी करवाना चाहते हैं। आप तो यहाँ के कर्ता धरता हैं, आप हाँ कहें। ऐसा कंपटीशन करवाना हलवा खाने जैसा नहीं है। अगर लोचा लबचा हो गया तो मारी भाई का नाम खराब होगा ना। मारी भाई की प्रतियोगिता में लोचा नहीं होगा, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
तुम कंपटीशन कराओ और बेईमानी ना करो, इसकी क्या गारंटी है? तुम गलत समझ रहे हो, विजेता तो तुम ही होगे। हम तो प्रतियोगिता रखकर ही खुश हो जाएंगे और इसी बहाने मार्केट में हमारे कबूतरों की वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी। किसी जमाने में मेरा भी नाम हुआ करता था, लेकिन लोग अब सिर्फ तुम्हारे कबूतर खरीदते हैं। एक छोटा सा फेवर मांग रहा हूँ। प्रतियोगिता के लिए हमारे पास पैसे और आदमियों की कमी नहीं है। एंट्री फीस से जो भी कमाई होगी उसका आधा हम आपको दे देंगे। तुम भी इसमें हिस्सा ले सकते हो, एंट्री फीस देने की जरूरत नहीं। वाह, सुन लो कितना बड़ा दिल है ना इसका। सॉरी मारी, बस ऐसे ही कह दिया। ये मैटर टूर्नामेंट रखवाने का या पैसे कमाने का नहीं है, टूर्नामेंट की पवित्रता बनी रहे ये इम्पोर्टेंट है। शिकायत का मौका नहीं दूंगा मारी, बस एक बार भरोसा करके देखो। मारी, इसे एक मौका मिलना चाहिए। थैंक्स मारी, हमारे कबूतर हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन ऐसा क्यों मारी? तुमने कॉम्पिटिशन कराया और हम जीत गए तो तुम्हारी इज्जत की तो लग गई ना। नहीं मारी, अगर तुम्हारे कबूतर जीते तो हमारे लिए फख्र की बात है। मैंने आपसे मर्डर की बात कब की थी? पी क्या है क्या? ए, उस रात इसी जगह ये बात बताई थी ना। अरे आपका दिमाग तो ठीक है, यहाँ खड़े होकर उनके बारे में पूछ रहे हैं। सर मैंने तो ऐसे ही कुछ बक दिया था, मुझे तो उस चाय वाले सेल्वा ने ये सब बताया था। नहीं सर, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अगर तेरे हाथ से चाय नहीं गिरती तो मान भी लेता, अब सच बता। कुछ लोग कहते हैं कि मर्डर नहीं हुआ था और कुछ लोग कहते हैं कि हुआ था साहब। वो कुछ लोग कौन है? वो मुत्तू है, साथ बंगलो में रहता है। मुत्तू कौन? अरे वो नशेड़ी क्या? एक मर्डर तो पक्का हुआ था साहब। हाँ, 8 साल पहले एक गैंग वॉर में एक मर्डर हुआ था, आप उनको इतना ही पता है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। वैसे अनबू नाम का एक आदमी है, वो और उसका बेटा जेब कतरे हैं। अनबू जो है पुराना खिलाड़ी है, पर बेटा 9 सीखिया है। अभी पिछले हफ्ते ही किसी की जेब काटते हुए पकड़ा गया था, केस भी बना है और वो इस बात से डरा हुआ भी है। ये FIR काफी है उसका मुंह खुलवाने के लिए। आज से 8 साल पहले मारी ने किसी का खून किया था, तुम लोग उस बारे में क्या जानते हो? मारी के बारे में? अरे नहीं सर, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। आपको किसी ने? शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है सर। ओ, ये काम करो, इसके बेटे को लॉकअप में डाल दो। हाँ, इसके खिलाफ तो केस भी है। बापू, आप इन्हें सच क्यों नहीं बता देते? आप मारी के बारे में जानना चाहते हैं ना? तू चुप रह। क्यों? भला मैं क्यों चुप रहूं? वो क्या बिगाड़ लेगा हमारा? सर जो पूछ रहे हैं पूछिए। बिंदास बताओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, बता दो। उस वक्त वेलू का गैंग पावर में नहीं था, एक गैंगस्टर था पांडी, टॉप का गैंगस्टर था। वेलू और पांडी के बीच बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन किसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ। कहते हैं कि मारी ने गुस्से में आकर पांडी को चाकू घोंप दिया। इसके बाद गैंगवार बढ़ता ही चला गया। धीरे धीरे पांडी के गैंग का पूरी तरह सफाया हो गया। उस दिन के बाद उस एरिया में वेलू के गैंग का दबदबा बढ़ता चला गया। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसने ये खून होते हुए देखा है? नहीं सर, मेरी जानकारी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो इस घटना का गवाह हो। पुलिस में केस तक रजिस्टर्ड नहीं हुआ और सर वेलू जैसे ही पावर में आया उसने तो फाइल ही गायब करवा दी। ये कैसे हो सकता है? इतने पावरफुल आदमी का मर्डर हुआ और केस नहीं हुआ? मारी उस मर्डर के बाद ही इतना बड़ा गुंडा बना, पूरा इलाका उससे डरता है। लेकिन पांडी को किसने मारा और कैसे मारा ये बात किसी को नहीं पता। किसी को कैसे पता होगा? जो बात हुई नहीं वो सच कैसे हो सकती है? सर आप खुद ही सोच के देखिए, एक गुंडा अगर किसी गैंगस्टर का कत्ल कर देता है तो वो हीरो बन जाता है। सर इतनी बड़ी बात वो छुपा के क्यों रखेगा? असल में ऐसी कोई बात हुई नहीं है सर। इस केस में सर फोड़ के आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं। अरे 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 हसीना जी, आइए आइए आइए, खुद चल कर आई हैं आप? हाँ, मारी जी से मिलने आई हैं, मम्मी को भी साथ लाई हैं। देखो मारी, बुटकी वाली बूटी आई है। नमस्ते सर, हमें आपके बारे में पता नहीं था इसलिए उस दिन आपके साथ इस तरह से पेश आए। सर हम आपकी प्रोटेक्शन मनी देने के लिए तैयार हैं, बस आप थोड़ा सा टाइम हमें दे दीजिए। पहले हम अमीरों की बस्ती में रहते थे, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ इसलिए हालत थोड़ी टाइट है। अपनी हालत तो रोज रात को टाइट ही रहती है, नहीं क्या? जरा अपनी हालत देखिए, पैसों की तंगी को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा। उस दिन के लिए आपसे सॉरी कहने आए हैं। तुम्हारी बेटी को देखकर लगता नहीं है सॉरी बोलने आई है। बुटीक के पुतले के माफी खड़ी है। हसीना सॉरी कहो ना। सॉरी। ओह, मुझे नहीं पता था तुम कौन हो, इसीलिए उस दिन तुमसे बहस की मैंने। अब तो पता चल गया ना ये कौन है। कैसे बात की थी बोल? तमीज से। बदतमीजी से? हाँ बदतमीजी से। किसी राजकुमारी की तरह? राजकुमारी की तरह। ऐसे पेश आ रही थी जैसे सर पे कोई ताज रखा हो? एकदम सही कहा, जैसे सर पे कोई ताज रखा हो। अरे बस कर, इतनी आंखें मत निकाल, गोटी की तरह बाहर निकल आएगी। ओ सोच के तो देख, बिना आंखों की चुड़ैल लगेगी। सॉरी बोल लो। सॉरी
मैंने माफ किया, जाओ। मारी ने माफ कर दिया, जाओ। सर अगर बाकी के पैसे हम बाद में दे तो चलेगा क्या? जरूरत नहीं है। आई एक्सपेक्टेड। थैंक यू सर। देखा बेटा, सब सही कहते हैं कि इनका दिल वाकई में बहुत बड़ा है। बदले में बिजनेस में अपुन को 80% का पार्टनर बनाना पड़ेगा। अपने धंधे में अपुन को पार्टनर बना लो, बचा हुआ पैसा अपुन वहीं से वसूल लेगा। ठीक है। ये क्या बकवास कर रहा था? कैसा पार्टनर? मस्त खुशखबरी है ना, अब वो दुकान तुम्हारी नहीं है, हमारी है। वेलकम टू फैमिली। पंडित को चाकू दिखाकर पार्टनरशिप का शुभ मुहूर्त निकलवाया। आई 80% यू 20%। ओके, शेक हैंड। कहने का तो हम इसके बिजनेस में 80-20 पार्टनर हैं, पर कहने पर से क्या होता है? पोस्टर में हमारी भी तो चौड़ी छाती दिखाई देनी चाहिए कि नहीं? कुछ करो भाई। चेंज इट। ए धुलाई की दुकान कटरीना लग रहा हूँ ना। माखी सावन ठीक भाई। ये कैसा है? ये वाला अतरंगी है रे, मस्त। बोला ना गर्दन पहले कटने का। मारी कस्टमर्स आए हैं, थोड़ी जगह। गेस्ट लोग आए, अक्कल नहीं है क्या? कॉफी लेके आ, चल बात नहीं आती। कॉफी मलाई मार के आज दुकान बने अगले साल आना। जा, ए इतनी गर्म हो रही है, दूध जल्दी उबल जाएगा। ये वाला अच्छा है। ये कपड़ा कैसा लगा? क्या मैडम, कस्टमर आयला है, ले लो मैडम, सेम है। मस्त हवा है कि एकदम खुले टेरिस की माफी। रुकिए तो, पसंद नहीं आया? कोई बात नहीं मैडम, मेरे को तो एकदम मस्त लगा ये। ओह गॉड। अपुन के कबूतरों को जज करने के लिए कौन सा जज आने वाला है? मारी के इलाके में और कौन आ सकता है? हमारा पुराना जज ही आएगा। ध्यान रखना, तुम बेफिक्र रहो, संभाल के बगड़ पंछी को। तुमसे गायब हुए कबूतरों की पोल खोलू क्या? धमकी देता साला। मारी के कबूतर यही हैं। मारी जी बोल। ए इज्जत से नाम लेने का घोचू। ए मिस्टर, हु आर यू? मुझे पप्पू भाई ने भेजा है, पुराना जज दूसरी जगह गया है, उसकी जगह मुझे भेजा है। ऐसे कैसे पुराना जज नहीं भेजा है? पप्पू पंछी को बोलना पड़ेगा। ये क्या फिर से प्रतियोगिता हो रही है? हाँ, वो पप्पू पंछी करवा रहा है। कौन? पप्पू पंछी? मारी का पत्ता साफ हो गया क्या? मेरा बेटा क्या गुलाटी मारा, शाबाश। शाबाश मेरे शेर। ए शनि देख ये क्या लिख रहा है। ये गुलाटी सही नहीं थी। कैसे सही नहीं थी बे? ओलंपिक के स्टाइल में उसको ट्रेंड किया था अपुन, बोलता है सही नहीं थी। उसकी गुलाटी तो एकदम सही थी। अंधा है क्या बुढ़ो, मुझे दिखता नहीं है क्या? आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अगली गुलाटी सही नहीं हुई तो आउट कर दूंगा। तू अपुन की टीम को आउट करेगा शनि। वाह कमाल किया, अभी देखने को बोल इसको। ना ये तो आउट है। किस गधे ने ट्रेन किया इसे? जितना बकवास कबूतर है उतना थर्ड क्लास ट्रेनर होगा इसका। कैसे आउट हुआ बे? पिछले 3 साल से वही कंपटीशन जीत रहा है। तो क्या हुआ, इस साल तो बकवास किया है ना, रिजेक्ट है ये। जो गलत है सो गलत है। ए, इधर कुछ गलत है तो वो तू है, समझ के बोलने का। बस करो, इस प्रतियोगिता में झगड़े की जगह नहीं है। लगता है यहाँ सब अनाड़ी है, कबूतरों को ट्रेन करना आता भी है या फिर शौकिया पाल रखे हैं। अच्छा तो ऐसी बात है, जरा रुको। ए, थोड़ी देर के लिए इन कबूतरों को निकालो, बताओ इनमें से कौन गोताखोर है, कौन ऊंचा उड़ने वाला। क्या पूछ रहे हो? तुम सवाल का जवाब दो। ये भाई गोताखोर है। ए, जिस तरह तू कबूतरों को देख रहा था मैं समझ गया था तू कोई फ्रॉड है। इनमें से एक भी हवाई गोताखोर नहीं है। वही तो, पुराने जज की जगह जब ये आया तभी मेरे को डाउट हुआ। हमारे कबूतरों को आउट करेगा, मारी के आदमियों को चीट बोलेगा और यहाँ से अपनी दो टांगों पे वापिस आएगा। ये देख हमारा प्रोडक्ट, 30 साल का एक्सपीरियंस, तेरा झूठ पकड़ लिया। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। कुछ देर पहले तो कुछ बोला था ना। क्या? कबूतरों को पालने के बारे में बोला था। नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। अपुन ने सुना रे, बोल क्या बोला। मैंने कहा था अगर कबूतर ने ठीक से गुलाटी नहीं मारी तो उसे आउट करना पड़ेगा। यही कहा था इसने? यही कहा होगा।
आप उनका बहरा है इसको बोल बकने के लिए। ये बोलना घोचू। जो उस टाइम बोला था वही बोल। मैंने कहा यहाँ सबके सब अनाड़ी हैं। मुझे आपके बारे में पता नहीं था। पता नहीं था तो बोला भाई को। तेरे हिसाब से मेरे कबूतर गुलाटी नहीं खा सकते, यही बोला था ना? हाँ, कैसे गुलाटी मारते रे? बता मेरे को भी। वो पहले हवा में उड़ते हैं, फिर उल्टा गोता मार के, वो ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है भाई। अगर समझा नहीं सकता तो करके दिखा। कैसी लगी है गुलाटी? मस्त थी। जो भी आप उनके साथ बगावत करने की कोशिश करेगा काट डालूंगा। इतनी छोटी सी बात के लिए वेल्लू भाई के पास आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे लिए छोटी बात होगी, तुम्हारे आदमी को कोई हाथ लगाता तो? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो अपुन के आदमी को हाथ लगाए। ए, पप्पू ने गलत किया। अगर वहाँ रेफरी नहीं था तो तुमने किसी नौसिखिए को वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। जज लोग की कोई कमी नहीं थी, अपुन के कबूतरों को आउट करने का इसका प्लान था। ए, मैं बात कर रहा हूँ ना, आप बोलिए। देखो, तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। या तो आपस में सुलह कर लेते या मेरे पास आ जाते। वेलो भाई, किस बात की सुलह? बताए इनको तूने क्या बोला था। हाँ, क्या बोला था? मैंने गलती से कह दिया था कि उनको कबूतर पालना नहीं आता है। वेलू भाई, कबूतर तो आप उनकी जान है, तो ऐसी बात सुनके अपन चुप बैठेगा क्या? तुम लोग ऐसी कड़वी बातें सुनके चुप बैठोगे? मैं होता तो काट के रख देता उसे। अगर अभी भी आपको लगता है आप उनका फॉल्ट है तो कोई भी सजा दे दो भाई, ये आज के बाद प्रतियोगिता नहीं करेगा। ए, फैसला करने के लिए मैं बैठा हूँ ना, यहाँ तुम दोनों की गलती है। इस टूर्नामेंट की वजह से यहाँ बखेड़ा खड़ा हुआ है, आज के बाद ये काम मारी करेगा। चलो अब दोनों हाथ मिलाओ और यहाँ से जाने के बाद अपने अपने काम पे लग जाओ। नहीं भाई। ए, जो मैंने कहा चुपचाप कर, हाथ मिलाओ दोनों। जरा थूक रहे, थूक थूक। ऐसे सड़ियल आदमी के लिए आपने अपना टाइम वेस्ट। ये नहीं सुधरेगा। हाथ धो लेना। चलो रे भाई। क्या है? बहुत दिनों से आपसे कुछ कहना था। क्या कहना था? आजकल लाल चंदन की डिमांड बढ़ गई है और मुझे उसे खरीदने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी मिली है। अगर इस धंधे में मैं आपके साथ। अरे पप्पू, तेरे पैर इतने बड़े नहीं हुए कि तू अपने बाप के जूते पहने। जितना काम दिया ना उतना ही ठीक से कर लेना तो बहुत है। जाके अपने औकात वाले काम कर, चल। हेलो, हाय, आइए ना। थैंक यू। नमस्ते। आपके फेसबुक पेज पे आपके डिजाइन देखे थे, उनमें है ना एक पर्सनल टच होता है, बड़ी दुकानों में ऐसे डिजाइंस नहीं दिखते। थैंक यू सो मच। मैं मेहंदी और शादी के लिए यहीं से ड्रेसेस बनवाना चाहती हूँ। सारू चेतने के केवेदी को आई एम ओके। मैम, मैं मेरी फ्रेंड्स को कस्टमाइज्ड साड़ी देना चाहती हूँ और वो आउटफिट्स आप ही को डिजाइन करनी होंगी। श्योर मैम, जैसा चाहिए मिलेगा। इसका फैब्रिक देखिए, बहुत ही क्या नया बक रहा है। आ गया फिर से। हेलो, आई एम मारी। कौन है? इस दुकान में अपन 80% का बिजनेस पार्टनर है। मेरा नाम हसमुख है। तो ठीक से हंसना। मैं भी मेरे पापा के बिजनेस में पार्टनर हूँ। ज्वेलरी शॉप है ये तो। गया ऐसा क्या? नाइस नाइस नाइस। हमें सबसे बेस्ट कपड़े चाहिए हो। एकदम सही जगह पे आयला है। तेबीस को घोड़ी चढ़ना है और बाईस को मेहंदी का फंक्शन है। अबे तू शादी से मना रहा है और तुझे मेहंदी नाम की लड़की के फंक्शन की पड़ी है, फोड़ूंगा तेरे। अरे अरे अरे, नहीं नहीं मोटा भाई, हाथ में जो मेहंदी लगाते है ना उसका फंक्शन है। ए, सॉरी बोल रहे इसको। सॉरी ब्रो। ये साला मेहंदी के लिए भी अलग फंक्शन रख रहा है। अपन लोगों को तो कोर्ट मैरिज का खर्चा भी नहीं पड़ेगा, है ना? सही बोला। हंस। क्या है? मुझे लगा हंसना। मैं हसीना को बुला रहा था। सॉरी भाई। हसीना, रेट फिक्स कर दिया क्या? नहीं, अभी सिर्फ डिजाइन देख रहे हैं। ठीक है, चलने दो चलने दो, और रेट अपन फिक्स करेगा। थैंक यू। आपका बिल 125,000। हस हस हसीना, बोला था ना रेट अपन फिक्स करेगा, पार्टनर से पूछने की तमीज नहीं है क्या? हम्म,
मारी। ये लो मैडम। 12,25,000। अरे ये एकदम स्पेशल दुकान है, इसलिए तो रेट भी स्पेशल है। ये कपड़ों का बजट है कि पूरे गुजरात का? ए, चमन, जब तो शादी एक ही बार करने वाला है तो कपड़ों में इतनी कंजूसी क्यों? ठीक है, हम अभी जाते हैं, फोन करके बताएंगे। हाँ हाँ सर, हम फोन करेंगे। नीचे बैठ। सुनो ना भाई ने क्या बोला भाई। लेकिन मारी बम्मारी के मारो छो। सामान तेरे को यहीं से लेना पड़ेगा और इसी रेट पे। एडवांस 50% और डिलीवरी के बाद बाकी 50% मंजूर है। मोटी बिन मोटा भाई तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। तेरे को मैं गुंडा लगता हूँ क्या? नहीं, मैं तो हूँ ही गुंडा। डाउट करके इंसल्ट करता है मेरी। सर मैं पैसा देता हूँ। जल्दी कर पार्टनर, इसे कहते हैं बिजनेस करना। इतनी बड़ी कंपनी चंदे से थोड़ी ना चलेगी। शाम तक अपन को अपना कट मिल जाना चाहिए। हे तो इस मीना कुमारी से शादी बनाएगी? विदाई के टाइम तुझसे ज्यादा ये रोने वाला से नहीं रोते मेरे कुच्चू। आ रहा भाई, दूल्हे राजा को दिलासा दे रहा था मैं। आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आई एम रियली सॉरी। सर पिछले दो दिनों में इतने डेथ सर्टिफिकेट देख चुका हूँ कि अब सपने में भी मुर्दे नजर आते हैं। सभी डेथ पुलिस रिकॉर्ड्स में रजिस्टर्ड हैं सर। ऐसे में कोई ऐसी डेथ मिलने की गुंजाइश नहीं जिस पर शक हो। मैंने एक एक रिकॉर्ड चेक किया है, एक भी केस में मारी का जिक्र तक नहीं। ऐसा कोई मर्डर नहीं हुआ था सर। इस मैटर को यहीं खत्म करते हैं। रुक दे। हसीना बेबी बाहर आओ, देखो कौन मिलने आया है। क्या ड्रामा कर रहा है? क्या पागल है क्या? हाँ? क्या पार्टनर, आज के बिजनेस का कट अपन के पास अब तक क्यों नहीं पहुंचा? उन लोगों ने अपना ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ऑर्डर कैंसिल कर दिया साले की इतनी हिम्मत? चलो देखते हैं उसको। अभी के अभी सीधा कर देते हैं उसके ज्वेलरी शॉप को। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, हमारा ऑर्डर कैंसिल करके किधर और जाएगा? जाने देंगे क्या? वो लोग और कहीं नहीं गए। तो कहाँ गए? उन्होंने शादी कैंसिल कर दी। काई को? जब तुमने उसे धमकाया तो वो बच्चों की तरह रोने लगा और ये देखकर उस लड़की ने शादी से मना ही कर दिया। शादी से पहले ही डिवोर्स। हाँ तो अच्छा हुआ ना, जो शादी के बाद होने वाला तो पहला हो गया। ए, जिंदगी में लड़की और लव के लफड़े में कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। कोई नहीं जानता कि वो कब किसको धोखा दे जाए। सुन के रोंगटे खड़े हो गए। हंसना बंद करो, मैंने इन मटेरियल्स के लिए बहुत मुश्किल से एक लोन लिया था। अगर ये ऑर्डर मिलता तो मैं लोन चुका देती। वो ज्वेलरी शॉप जो तुझे एडवांस देके गया था उसी से लोन चुकता कर ले। उनको मैंने वो पैसे लौटा दिए। काई को? गलत तरीके से पैसे नहीं कमाऊंगी। सत्यवती, अगर तू ऐसी कंपनी चलाने वाली है तो हम एक ढेला भी नहीं कमा पाएंगे। आप उनके पास बहुत सारा काम है, तेरा लोन का टेंशन तेरे को ही मुबारक। अभी आप उन चलता है बाय। भाई देखो क्या हुआ, मैडम तो रोने लगी। अपुन की माँ की कसम, अपुन कुछ नहीं किया। मैंने भी नहीं किया। आपको पैसे लौटाने नहीं चाहिए थे, वैसे लोन किससे लिया है? पापा ने बहुत मुश्किल से ये लोन अरेंज करवाया किसी पप्पू पंछी से। अरे ओ, पप्पू पंछी से लोन लिया? वेरी बैड, कांट डू एनीथिंग। सॉरी, अपन कुछ नहीं कर सकते। चले बैठ, आ जा चल। कौन हो तुम लोग? हम कपड़े खरीदने आए हैं। चल बाजू हट। ए, चलो काम पे लग जाओ। हाय। ए, सब डाल गाड़ी में। स्टॉप इट, वो मेरा ड्रेस है। चल जल्दी कर, चलो उठाओ। सर मेरे पापा घर पर नहीं है। कोई बात नहीं, मैं रिश्ता लेके थोड़ी ना आया हूँ। सर प्लीज ये सब मत कीजिए। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस तुम्हारी शॉप हटाकर अपनी शॉप खोल रहे हैं। सर मैं आपका लोन उतार दूंगी, बस बिजनेस सेटल होने दीजिए। हमारी शराफत है कि हम दुकान का सामान ही छू रहे हैं, समझ रही है ना? अपने पास पूरा दिन नहीं है। सर प्लीज, सर इसमें मेरी बहुत मेहनत है, मैं भीख मांगती हूँ। एक बार क्या हो रहा है? चल फोड़ फोड़। ए, अच्छी तरह फोड़ रहे आगे। क्या कर रहा है? ए, पीछे वाला फोड़। ए, मारी
याद है ना वेलू भाई ने क्या कहा था? ए पप्पू, जो वेलू भाई ने बोला वही तो कर ले है। तूने अपुन की प्रॉपर्टी में हाथ डाला, अपुन ने तेरी प्रॉपर्टी फोड़ डाली। शेम शेम पप्पी शेम ब्रो, ये दुकान अपुन की भी है क्या? मैडम अपुन की पार्टनरशिप वाली बात बताई नहीं इस काले कौए को। ए पप्पू, सारे पंछी उड़ा दूंगा तेरे। ए, इसने हमसे लोन लिया था, तुम लोग बीच में मत पड़ो। तो गलती तुम्हारी है, इनको लोन देने से पहले भाई से परमिशन ली थी क्या? मुंह उठाकर वसूली करने आ गए। घुसेड़ दूंगा ना बाद में, घुसेड़। ये इनकी दुकानें मालूम नहीं था। ए व्हाइट शर्ट, इधर आके हम लोग को सफेदी मत दिखा। वेलू भाई ने अपन को लड़ने से मना किया था, इसीलिए हम लोगों ने सिर्फ तुम लोगों की गाड़ी को ही फोड़ेला है, वरना मेरा डंडा और तुम लोगों का सर होता। अभी वट लो सब लोग। आवाज नीचे, आवाज नीचे। ब्लडी इडियट, मारे एक लड़की के लिए तुम हमसे दुश्मनी मोल ले रहे हो? तुम भी तो इससे हफ्ता वसूलते हो, उसका क्या? ये लड़की अपुन के एरिया में है, अपुन इसे हफ्ता वसूलेगा, इसकी दुकान तोड़ेगा, कुछ भी करेगा अपुन की मर्जी। अपने आदमियों को लेकर चुपचाप यहाँ से निकल ले, समझा? मारे बात यहीं खत्म नहीं होगी। ये ले, अब खत्म हो गई। क्या बे? क्या? चल जा, पिक्चर खत्म हो गए, चल निकल निकल। मारी, थैंक्स अ लॉट। आप समझी, ये प्रोटेक्शन। ये कबूतर कबूतरी को साथ को रखने का किसी ने बोला, अगले साल 10 और मिल जाएंगे। क्या तू उनका घर बसाने चला गया? क्या बोला? ये लाइव गुटर को देखने में क्या प्रॉब्लम? हेलो, क्यों आई हो? कल तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों का फोन आया था, कह रहे थे कि अब उन्हें पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ, इसीलिए थैंक्स कहने आई थी। ठीक है जाओ। मैं अब तक समझती रही कि तुम यहाँ के लोगों को सिर्फ परेशान करते हो, उन्हें डराते हो, लेकिन अब मैं जान गई हूँ तुम्हारे यहाँ रहने से लोग पूरी तरह से महफूज हैं, उन्हें कोई डर नहीं। तुम उतने बुरे नहीं हो जितना बुरा मैं सोचती थी। बराबर है, करेक्ट है। तू जितना सोचती है उससे ज्यादा बुरा हूँ मैं। वो बात बात पर दांत दिखाना बंद कर, चल जा जा। मारी लड़की है यार, थोड़ा प्यार से पेश आ। तेरे को बड़ी दया आ रही है इस पे। हाँ क्या रे, अभी तो थैंक्स बोल रही है, कल को अपना कट मांगने जाएंगे तो अपने को नो थैंक्स बोलेगी तो चलेगा क्या? तेरे को बोलना। मैं तुम्हारे यहाँ नौकरी कर लूंगी, जो भी सैलरी मिलेगी उससे तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। खोपड़ी खसक गई है क्या तेरी? मेरे जैसे बदनाम गुंडे के पास रहकर नौकरी करेगी क्या तू? पहले अपना दुपट्टा सही कर ले, कपड़ा बेचने का धंधा करती है तू, कपड़ा ठीक से पहन नहीं सकती क्या? लोग सही कहते हैं, तुम औरतों के साथ बहुत इज्जत से पेश आते हो, इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ थैंक्स कहने आई थी। इसका मुंह बंद ही नहीं होता। मारी दिल से काम ले, मेरी बात सुन। ये कबूतर अपनी शक्लें देके बोर हो चुके हैं, ये आएगी तो सारे फड़फड़ाने लगेंगे। ए चुप कर। हाँ भाई सही बोला, अच्छी लड़की है, इसको काम पे रख लो ना, इसकी वजह से हमारे पाप धुल जाएंगे। कौन से पाप किए? कौन से पाप किए? तूने पाप किया होगा, चल अपना काम कर। मारी मेरी लाइन क्लियर नहीं होने देखा। एक बात बता, अचानक से इतना इंटरेस्ट काय को? अचानक से नहीं, मेरा इंटरेस्ट तुम में तब से है जब से मैंने तुम्हें कबूतरों को उड़ाते हुए देखा था। जब तुम रेस जीतते तो कितने प्यार से उन्हें पकड़ते, बहुत ही इनोसेंट लगते थे, मुझे वही भा गया। जो चेहरा तुम दुनिया से छुपाते हो मैंने वो देख लिया, इसीलिए मैं कल सुबह आ जाऊंगी। बाय। भाई वो कौन सा चेहरा जो अपुन ने नहीं देखा? वही जो मैं तुझे दिखाऊंगा। निकाल, पैसा निकाल। वो कलेक्शन कर रहा है ना? मेरे पार्टनर तुम हो ना, तो पैसे तुम्हें ही दूंगी।
तुम मुझे भैया बुलाती हो, मारी को भैया क्यों नहीं बुलाती? इन्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही कहने का मन होता है। मारे भाई, पहले अपुन को डाउट था, अभी अपुन को एकदम कंफर्म है, वो लड़की आप पे लट्टू हो गई है। वो तो हीरोइन दिखती है और अपुन तो बस। आप भी हीरो से कोई कम हो गया? वो तो है, लेकिन अपुन ने उसको इतना परेशान किया, वो काहे को अपुन को इतना भाव देगी? अरे बात की गहराई को समझो मारी, लड़की को पटाना हो तो पहले उसको खूब टॉर्चर करो, यही पहला स्टेप होता है। वो पहला स्टेप में तुमने इतना टॉर्चर किया कि तुम पास हो गए। ये आजकल की लड़कियां अपुन जैसे रफ एंड टफ बॉयज को ही पसंद करती हैं। पहली नजर में अपुन को पसंद ना तो क्या दूसरी नजर में करेगी? अबे दूसरी नजर लड़की मुझ पे डालती है क्या? मान ले कि वो लड़की अपुन को पसंद करती है तो जरूरी नहीं कि अपुन भी उसको पसंद करे। अरे वो अपुन के टाइप की नहीं है रे, जाने दे। ये मामला आगे नहीं बढ़ेगा सच में। भाई तुम दोनों की जोड़ी मेड इन चाइना है। अबे उसे कहते हैं मैट फॉर ईच अदर। ए साला मैट्रिक में हैट्रिक, तो साला मेरे को अंग्रेजी सिखा। सिर्फ आप ही मार सकते हैं उसको। गलती हुआ भाई, आगे सुनो। मेरे हिसाब से वो लड़की आपके लिए परफेक्ट, एकदम मक्खन की कटोरी, जैसे जलता दिया बन में हिरन। मैं उसे इतनी शिद्दत से चाहता हूँ पर कायनात भी मेरी मदद नहीं कर रही। हमारी कौन सी पिक्चर का डायलॉग? ओम शांत का है, पर तुम मुद्दे पे आना भाई। हमारी भाई सारे एरिया के लोग उसे आंखें फाड़ के देखते हैं और हम सब को छोड़ के वो आपको देखती है। आप लकी हो, ट्राई मार के देखो। क्या कंफ्यूजन है, अपुन उसके लिए सही आदमी है क्या? बिल्कुल नहीं भाई, ये बात अपुन जानते हैं पर वो पगली नहीं जानती ना। लगता है आज कोई मार खाएगा। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, न जाने कितनी लड़कियों ने गलत आदमियों से फंसकर अपनी जिंदगी खराब कर ली है। आप तो उस लिस्ट के टॉपर बनोगे भाई। देखो मारी भाई, उससे हैंडसम हस्बैंड तो मिल ही जाएगा पर तुम्हारे जैसा दिल वाला वो कहाँ से ढूंढ के लाएगी मारी भाई? बोल रहा है भाई, आज उस लड़की के बहाने अच्छा मौका मिला है तुम लोग को अपुन की टांग खींचने का। चलो रखो, चलो रखो, खींचो खींचो। अरे तेरे को अभी अपुन कैसा समझाए रे, आदमियों के बीच अपुन एकदम सेफ रहते हैं, एकदम बिंदास रहते हैं, टोटल फ्री और हैप्पी फील करते हैं, लेकिन जैसे ही लड़की की एंट्री होती है तो पूरा मजा किरकिरा हो जाता है, गड़बड़ घोटाला हो जाता है रे। हम लोग का नहीं जमेगा रे। नहीं के माफी जमेगा मारी हसीना, हसीना मारी सॉरी जमेगा। बस बनकर तुम उस लड़की को मिलो और आई लव यू बोल डालो बस। अगर कोई गड़बड़ी हुई तो कस के चमाट खाएगा अपना क्या। ए पलटी, तुम लोग को स्पेशल बताऊं? इसको बोल रहा यार ये इसमें। हाँ पतली गली से निकाल, चल निकाल, तू भी निकाल। बन गई बात, साथ लाने का क्या फायदा। हाय, अरे ये तो वही शर्ट है ना, आखिर तुमने पहन ही ली। परफेक्ट फिटिंग है, तुम इसमें बहुत हैंडसम लग रहे हो पता है। वो तू अपन को पसंद करने लगी है इसलिए आई लाइकिंग आल्सो यू क्या? फर्स्ट आई वॉच यू माय मन किया आई गिव यू वन खींच के लाफा, देन यू बड़े प्यार से टेक केयर माय कबूतर, वो देख के आई लव यू। व्हाट? आई नॉट प्रॉपरली सेइंग, अलग तरह से कहता हूँ, ए आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आई एम सो सॉरी, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। तुम मुझे अच्छे लगते हो पर उस नजर से नहीं, अगर मैंने कोई गलत हिंट दी तो आई एम सॉरी। ओ प्यार नहीं करती, ठीक है ओके मैटर ड्रॉप करते हैं। अपुन भी उन गधों को यही बोला था लेकिन उन घनचक्करों ने अपुन को कंफ्यूज कर दिया और अपुन को इस चक्कर में डाल दिया। चलो कोई बात नहीं, दोनों अपन अपना अपना काम करते हैं। चल भाई रुको रुको, क्या? प्लीज मुझे गलत मत समझना, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। यानी पसंद करती है? हाँ करती हूँ। तो फिर आई लव यू, चल गाना गाते हैं। ऐसा नहीं, तुम्हें पसंद करती हूँ जैसे इंसानों को करते हैं। तो इंसानों को ही करोगी ना, जानवरों को उस नजर से थोड़ी देखा जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में जानती ही कितना हूँ, कि तुम क्या करते हो, तुम्हारी लाइफ कैसी है। अपुन क्या करता है, अपुन की लाइफ कैसी है,
सुबह उठ के कबूतरों के साथ वक्त बिताता हूँ, उसके बाद फिर सीधा विल्लोना के पास जाता हूँ, वो अपन को जो काम बोलते हैं वो पूरा करता हूँ। शाम को अपन पंडरलो के पास जाते हैं, उसके साथ थोड़ा मौज मस्ती करते हैं, रात को शराब पी के फिर सो जाता हूँ, उसके बाद फिर मस्त नींद मारता हूँ, फिर उसके बाद वापस अगली सुबह उठता हूँ, कबूतर के साथ वक्त बिताता हूँ, सीधा विल्लोना के पास जाता हूँ, वो अपन को जो काम बोलते हैं वो पूरा करता हूँ। बस अपन का डेली का ये रूटीन है। मैंने वो नहीं पूछा, कैसे समझाऊं इसे, मतलब कि तुम एक अच्छे इंसान हो लेकिन हो तो गुंडे, तो मुझे तुमसे डर लगना चाहिए। मेरे माँ बाप इस शादी के लिए राजी नहीं होंगे। तो मार देंगे उनको। क्या? नहीं नहीं, मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं सोचकर बताऊंगी ना। सोचने की कोई जरूरत नहीं है, अपन तेरे को ज्यादा कंफ्यूज कर रहा है क्या? चल जान दे, टेंशन मत ले। ओके हाँ भाई। Something wrong. पेट गड़बड़े गया। ये ठीक है, पर वो लड़की आपको पसंद क्यों नहीं कर रही? आप उनको क्या पता? भाई आपने ठीक से बोला था ना? I love you कह के बता दिया। ऐसे नहीं बोलते हैं। नहीं क्या? I love you। ऐसे सुर में बोलते हैं। एक बात को तीन हिस्सों में कहे को बांटा है। तीनों अलग अलग वर्ड है भाई। मतलब आई लव यू एक वर्ड नहीं है? तीन वर्ड है भाई। एक वर्ड नहीं है क्या? आओ ना, पार्टी चल रही है इधर। पहले का एको नहीं भाई, भाई। इस लड़की को तू यहाँ का एको लाया? वो आपके साथ गुफ्तगु करना चाहती है। तू मेरे से दोस्ती बढ़ाने आई होगी। चल आजा, बैठ बैठ बैठ, आजा बैठ, इधर बैठ। तुम लोग जाओ रे, तुम लोग जाने का टाइम हो गया। हाँ तुम बैठो, आजा आजा बैठो। ये लो, नारंगी नहीं। वो किधर पिएगा भाई? ये सिर्फ फाइव स्टार होटल में पीती होगी। मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी थी। करो। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम्हें लाइक नहीं करती हूँ, बस थोड़ा सा वक्त मांगा था जिससे कि तुम्हें और जान सकूं। क्या जानना चाहती हो? यही कि तुम कौन हो, ऐसी लाइफ कब से जी रहे हो? ऐसी लाइफ बोले तो ऐसी से क्या मतलब है? मतलब हर किसी को तुमसे डर लगता है, यहाँ तक कि मुझे भी। मैं तेरे को छिछोरा लगता हूँ क्या? मैं भले चाहे कितना भी कमीना क्यों ना हूँ, लेकिन मर दूँ, लेडीज को आज तक टच नहीं किया अपुन ने। मेरा वो मतलब नहीं था, इतना भरोसा है तुम पर, लेकिन लोग जो तुमसे डरते हैं उसके पीछे कोई तो वजह होगी। मारपीट, मर्डर। मर्डर? ऐसा कुछ नहीं है। मर्डर नहीं, उसे मर्डर नहीं कह सकते। मर्डर तो नहीं, मर्डर जैसा कुछ था, एक तरह से मर्डर कह सकते हो। पांडे नाम का एक गैंगस्टर था, एकदम बिग शॉट, उस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक दिन आपने गुस्से में उसको चाकू घोंप दिया। लेकिन उस टाइम वो मरा नहीं, इसलिए वो मर्डर नहीं था। एक दिन किसी ने उसका मर्डर कर दिया, लाश मिला अपुन के एरिया में, तो मर्डर का क्रेडिट अपुन को मिला। अपना नहीं जमने वाला है, घर जाके ठंडे दिमाग से सोच। ओके तो ओके, नहीं तो टाटा बाय बाय खुदा हाफिज, जो सोचना है तेरे को सोचना है। अपुन के भेजे का तंदूरी मत बना, जा यहाँ से, चल निकल, गेट आउट गेट आउट। ए खाकी वर्दी, क्या सुबह सुबह अपना मुंह उठाकर आ गए यहाँ पर? हमारे पास मारी का अरेस्ट वारंट है। ए, जगाने का वारंट है क्या? सर सुन लेंगे। तो अपुन क्या डरते हैं? शोर मत मचा वरना शूट कर दूंगा। सर जी, अरेस्ट वारंट है, ऑफिसर अरेस्ट करने आया है। कौन सा ऑफिसर रे? छोटे, अपुन को नींद से जगा, इस वक्त अपुन बहुत बुरा सपना देख रहा है। जल्दी उठ, हम तुझे अरेस्ट करने आए हैं। अरेस्ट? किस खुशी में? मर्डर तो नहीं, मर्डर जैसा कुछ था, एक तरह
तरह से मर्डर कह सकते हो। एकदम बिग शॉट, उस तक पहुंचना नामुमकिन था। एक दिन आपू ने गुस्से में उसको चाकू भोंप दिया। डाउट करके इंसल्ट करना है मेरी, इसे कहते हैं बिजनेस करना। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, पुलिस के पास जाऊंगी। मेरी बात मानिए, आप इस झंझट में मत पड़िए। वो आप मुझे मत सिखाइए, एसआई से मिलना है बस। hey, क्या बात है? कुछ नहीं सर, एक मामूली सा केस है। सर, मारी के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है, गुंडागर्दी के केस में। एफआईआर लिखिए, मैं कोर्ट में गवाही देने के लिए भी तैयार हूँ। मैं आपकी हिम्मत की कदर करता हूँ, मान लो मैं आपकी एफआईआर दर्ज कर भी लेता हूँ, वो बड़ी आसानी से बच जाएगा और उसके बाद वो आपको और ज्यादा परेशान करेगा, उसे किसी बड़े केस में फंसाना पड़ेगा। आप जो बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। आफ्टर लॉट ऑफ सर्चिंग मुझे एक क्लोज फाइल मिली है जो बहुत सनसनीखेज थी। पांडी के ऊपर एक मर्डर अटेम्प्ट हुआ था, मारने वाले का हुलिया और उम्र दोनों मारी पर बिल्कुल फिट बैठता है, लेकिन इतना काफी नहीं, मारी को सजा दिलवाने के लिए कोई ठोस सबूत चाहिए। मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ? तू अपुन के पैसे कैसे चुकाएगी? मैं तुम्हारे यहाँ कोई नौकरी कर लूंगी। इन्हें देखकर तो मुझे कुछ और ही कहने का मन होता है। हैंगओवर हुआ क्या भाई? पकड़ पकड़ पकड़, संभाल संभाल। भाई भाई भाई, अपन को आज तक हैंगओवर हुआ है क्या? ये उठा रे, उस छोकरी की वजह से सुबह सुबह इन मनहूसों की शक्ल देखनी पड़ रही है। एकदम मस्त प्लान था, बहुत बढ़िया। अपुन ने उम्र भर गुंडागर्दी किया, लोगों के हाथ पांव तोड़े, कईयों के सर भी फोड़ डाले, लेकिन अपुन का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लेकिन पहली बार अपुन ने लव किया तो वो लव अपुन को लॉकअप में डाल रहा है। दिस इज कॉल्ड किस्मत। लव करो मारी, आई लव यू बोलो उसको। मरवा दिया ना अपुन को, अब खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? जो करने आए वो करो। माना के प्लान इसका था, लेकिन लड़की ने आसानी से मान कैसे लिया? दुनिया कितनी आगे पहुंच गई है, साला अपन कैसे पीछे रह गए? रुक जा, बाल ठीक है क्या? थोड़ा सेट कर लो इधर से। कौन से साइड? लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, ओके। ये तो पटाखे फूट रहे हैं, बस्ती में किसी की शादी है क्या? शादी नहीं, पूरी बस्ती तुम्हारी गिरफ्तारी की खुशी मना रही है। इतना जश्न तो गणपति के विसर्जन के टाइम भी नहीं होता जितना आप उनको जेल में ले जाते समय हो रहा है। ये भी फाड़ दिया। आप उनके पीछे काम धंधा एकदम अच्छे से संभालना, समझ गया? और अगर कोई लड़के आई लव यू बोले तो सीधा यू टर्न लेके निकल जाने का। तू आज चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा? तू याद बहुत आएगा, तू बोलना। आपके अलावा हमारा कौन है? मजा नहीं आ रहा है, ओवर एक्टिंग लग रही है। तेरा जीजा मदुरई में रहता है ना, कुछ दिन के लिए उनके पास चले जा। जीत गए साहब, औरत को हथियार बनाया, लेकिन जीत तो जीत होती है। पहली बार जब तुम बिना परमिशन के एरिया में आए थे तो आप उनको उसी टाइम से तुम पर नजर रखनी चाहिए थी। वो दगाबाज लड़की किधर है? उसको तो मजा आ रहा होगा आप उनको ऐसे देख के। ओए होए होए, मैडम मानना पड़ेगा टॉप क्लास की एक्टर हो। मीठी मीठी बातों से आप उनको बर्बाद कर दिया, आप उनकी इज्जत के चीतड़े चीतड़े कर दिए ना, और एक सेलो टेप तक नहीं दिया। चल गाड़ी में बैठ जा, मैं गुंडों से एक ही बार प्यार से बोलता हूँ। ये तो आप उनका ही डायलॉग है। मारो, आप मारो, अभी आपका टाइम चल रहा है, आप मारो, बोलो। सुखी रहो सब लोग। आप उनके वापिस आने तक। एसी नहीं है क्या? छह महीने बाद ए, वो देखो भाई आ गया, हमारी आ गया। चलो चलो चलो। क्या रे, कैसे हो तुम लोग? चाचा ठीक हो ना? आप उनके गम में दुगना खा रहा था क्या? इतना मोटा हो गया है। तू ठीक है ना? हाँ भाई। और बाकी? आप दुबले लग रहे हैं भाई। तो आप उनके तेरे जैसा जाड़िया था क्या? चाय पीते ना बंटिया, चार चाय मलाई मार के। और चाचा क्या नया? कहीं एरिया में सब लोग चैन से तो नहीं रह रहे? नहीं मारी, तुम्हारे जाने के बाद
वहां के हालात बदतर हो गए हैं। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि वेलू भाई को भी जेल में डाल दिया। क्या बात कर रहा है? आपके जेल जाने के बाद हम लोगों को बड़ा बोरिंग लग रहा था, इसलिए हम दोनों कुछ दिन के लिए बाहर चले गए थे। वापिस आए तो एरिया का नक्शा बदल गया था, तब मैं समझा कि वो ऐसा ही बिना वजह में टारगेट नहीं बना रहा था, ये उसका प्लान था। भाई अबे कते, उन्होंने मारी को अरेस्ट कर तो अभी बता रहा है? तू उस वक्त दारू पी के सो गया था क्या? ए गाड़ी निकाल, उसको जेल से निकालना होगा। इन्फॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पर लाल चंदन का इलीगल बिजनेस हो रहा है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं और ये सर्च वारंट लेकर आए हैं। ए किससे बात कर रहा मालूम है क्या? चुप कर, सामने मीडिया है। सर्च पूरा होने से पहले मीडिया वाले कैसे आ गए? मुझे नहीं पता सर, शायद किसी ने ये इन्फॉर्मेशन लीक कर दी हो। सर तलाश शुरू कीजिए। टीवी पर वेल्लू के अरेस्ट की खबर देखकर उनके साथी और मंत्रियों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, कोई भी उनकी बेल के लिए आगे नहीं आया। लेकर चलो इन्हें। पूरे एरिया से गुंडागर्दी खत्म करने की वजह से अर्जुन का रुतबा काफी बढ़ता जा रहा था। वहाँ हर कोई खुश था, लोग अर्जुन को बहुत इज्जत देने लगे थे। भाई एक रात अर्जुन उस एरिया में आया, वो कोई प्लान बनाकर आया था। आप लोगों ने टीवी पर लाल चंदन के स्मगलर्स के अरेस्ट होने की खबर तो देखी होगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उन लकड़ियों को लीगल तरीके से एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है। इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है। मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है यहाँ के बेरोजगारों को काम दिलवाने का। जो लोग काम करना चाहते हैं अपना नाम लिखवा दें। अर्जुन सर जो कह रहे हैं ना, हमारे भले के लिए कह रहे हैं। चलो अपने नाम लिखा दो। ये काम खुद चलकर तुम्हारे पास आया है, जाओ जाकर अपना नाम लिखवा दो। तुम क्यों खड़े हो? चलो नाम लिखाओ। बापू चलना, नाम लिखवाते हैं। ए रहने दे, इन खाकी वर्दी वालों पे मैं भरोसा नहीं करता। तुम्हें हर ट्रक के अंदर पहले नीचे लाल चंदन की लकड़ियां रखनी है और फिर उन्हें साधारण टीक की लकड़ियों से ढकना है, यही तुम्हारा काम। लोग बिना सवाल किए दिन रात यहाँ काम करते रहे। दिन में तो ट्रकों में लोडिंग का काम चलता था और जैसे ही रात होती सारे ट्रक गोदाम के बाहर निकल जाते, और उसी रात कुछ सरकारी लोगों ने गोदाम पर रेड मार डाला। पूरे एरिया को सील करके माल जब्त कर लो, इन सब को पकड़ के अंदर कर दो, कोई बचने ना पाए। सर यहाँ पे तो सरकारी काम चल रहा है। हेमती लाल चंदन की तस्करी करके कौन सा सरकारी काम चल रहा है जानता हूँ मैं। आपको कोई गलतफहमी हुई है, आप इंस्पेक्टर अर्जुन से पूछ लीजिए, उन्होंने ही काम पे लगाया है। इस गोदाम का पता चलते ही हम उन्हीं के पास गए थे, उन्होंने ही रेड की परमिशन दी है। चलो गोदाम पे लगाओ। सब्जी अच्छी नहीं, भागते हो? रुको, ऐसे क्यों भाग रहे? वो जो गोदाम में लाल चंदन का काम चल रहा था ना, वहाँ पुलिस ने रेड मारी और सबको अंदर कर दिया। अरे ये क्या कह रहे हो, अर्जुन सर ने उनको काम पे लगाया था, उनसे बात की क्या? नए पुलिस स्टेशन से ही आ रहा हूँ, वहाँ जाके पता चला कि वो छुट्टी पे गए हैं। और उस दिन के बाद उस एसआई के ही नहीं पप्पू पंची के तेवर भी बदलने लगे। हे, मेरी बात ध्यान से सुनो, आज से इस मार्केट की हर दुकान पप्पू भाई के अंडर में है, चुपचाप सबका हफ्ता हमारे पास पहुँच जाना चाहिए, वरना यहाँ धंधा नहीं कर पाओगे। मारी क्या चला गया, अब तुम लोग हफ्ता वसूलोगे? अब यहाँ पर कोई हफ्ता नहीं देता, अर्जुन सर को पता चला तो पता है क्या होगा। बिल्कुल सही कहा तूने, अर्जुन को पता चल गया तो वो छोड़ेगा नहीं। ए, किसी और के मन में भी डाउट है क्या? ए, आज के बाद इस एरिया में मारी का नाम कोई नहीं लेगा, जो मैं कहूंगा वही यहाँ का कानून होगा। और उसी दिन अब उनको पता चला कि ऐसे ही अर्जुन और पप्पू पंछी आपस में मिले हुए थे। सर आपने तो कहा था ये सरकारी काम है, लेकिन पुलिस तो कह रही है स्मगलिंग का काम है। हाँ मैडम, मैंने उन्हें स्मगलिंग के लिए ही भेजा था, ये सब मेरी और पप्पू की प्लानिंग थी। अगर मैं पहले ही बता देता तो क्या तुम लोग इसके लिए तैयार होते? हम ये पहली बार कर रहे थे, बात कहीं से लीक हो गई और उसी वजह से रेड पड़ गई। सर अगर आप गवाही देंगे कि वो बेकसूर हैं, तो वो जल्दी छूट जाएंगे। सर क्यों नहीं, वो तो छूट जाएंगे, मैं अंदर हो जाऊंगा। चलो निकले यहाँ से। सर मैंने आपकी मदद की क्योंकि आप मुझे एक अच्छे इंसान लगे, आप इन सब की बातों में आकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इनकी बातों में नहीं आया, ये सारी प्लानिंग मेरी खुद की थी। वेलो और मारी को अंदर क्यों करवाया पता है? ताकि हम दोनों उनकी जगह ले सकें। और मारी का केस रीओपन करने के लिए मैंने तुमसे इसीलिए कहा था।
रही बात तुम्हारी, मारी की गिरफ्तारी के बाद अब हमारे काम की नहीं रही, इसलिए फालतू के सवाल मत पूछो और जाओ यहाँ से। नो, मैं चुप नहीं बैठने वाली। क्या कर लोगी? हाँ क्या कर लोगी? सर आप ये ठीक नहीं कर रहे हो। आर्नोल्ड दफा करो इन्हें। सर मेरा ऑर्डर सुना नहीं? बेचारे मजबूर है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आर्नोल्ड जो मैं कह रहा हूँ वो करो, निकाल के बाहर फेंको इन्हें। शुरू से इन लोगों का प्लान आपको और वेल्लू भाई को इस एरिया से बाहर निकालने का था मारी भाई, ताकि लाल चंदन की स्मगलिंग का कंट्रोल अपने हाथ में ले सके और इधर का राजा बन जावे। कबूतरों की प्रतियोगिता का सारा जिम्मा पप्पू पंछी के हाथों में आ चुका है। अब यहाँ ईमानदारी और नैतिकता जैसी चीजों के लिए कोई जगह नहीं रह गई है। यहाँ जज लोग तो पैसे लेकर फैसला दे रहे हैं, इसीलिए बहुत से पक्षी प्रेमी इन रेसेस से दूर रहने लगे हैं। आपकी जेल से छूटने की न्यूज सुनकर वेलू भाई ने आपके लिए एक मैसेज भिजवाया। उन्होंने आपको ये एरिया छोड़ने के लिए कहा ताकि आप सेफ रह सकें। ठीक है तो आप उनके एरिया छोड़ दें। और कर भी क्या सकते हैं, अब अगर वेल्लू भाई खुद भी यही चाहते हैं तो हम लोग कौन होते हैं उनसे बहस करने वाले। मेरे सारे कबूतर वहाँ से ले आओ और सारा सामान भी। ए धुलाई की दुकान, सुना नहीं तूने? जा सबका सामान पैक करके तैयार रख, अपन टेम्पो भेज देता है। ये लोग सामान लेके कहाँ जा रहे हैं? चलो पूछते हैं। आओ रॉबर्ट। ए ये सामान लेके कहाँ जा रहे हो? मारी जेल से छूट गया ना, वो कहाँ है अभी? अरे दिखाई नहीं देता क्या? हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मारी भाई भी वापस कभी नहीं आएंगे। अब तो खुश हो ना? तुम लोगों के स्वार्थ की वजह से अपन लोगों को जाना पड़ रहा है। नहीं रॉबर्ट, परेशान तो हम लोग भी है ना। ये तो होना ही था ना, और भरोसा करो पुलिस वाले पर, हम कहीं और जाकर धंधा करेंगे। तुम लोगों की दुकान तो बंद हो जाएगी, देख लेना। चल रहे चलो चलो। जरा देखो इन्हें, मुंह छुपा के कहाँ भाग रहे हैं लोग। क्यों रे डरपोक, अपने मारी को बुला चल। कैसे आएगा बेचारा, वो मुंह दिखाने लायक कहाँ बचा। अबे तूने मारी भाई के साथ धोखा करके ओलंपिक का मेडल नहीं जीता है, चल निकल ले। ए, ए, बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, जल्दी का क्या कर लेगा? हाथ नहीं उठाने का, फोड़ इसको। बहुत चर्बी चढ़ी है साले को। ए दूर रहे मुझसे। मारी तो तेरी रोज ही धुलाई करता था ना, और तू चुपचाप मार खाता था। हाँ। चल मार साले को, आज मैं मारूंगा और तू मार खाएगा। अब जाने तू इसे ही तो जा रहा है। चल चल रे। बहुत चर्बी चढ़ी है तुझे, ये ले। मारी भाई को पता चलेगा ना, सबको मारा लेंगे। मारी आया तो खिसक रहा है। इतरा रहा था ना, अब क्या सारी हवा निकल गई तेरी। <ख़ाँ>
सीधा पुलिस के पास जा और उनसे बोल मारी अभी इधर ही रहेगा, शायद इस एरिया पर उसका कंट्रोल हो, लेकिन मारी हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहता है। इसको मारने का हक सिर्फ अपन को है। अपन के साथ जो भी बगावत करेगा काट डालूंगा। किधर घुसे चले आ रहे हो तुम लोग? क्या मुंह उठा के मारी से मिलने आए हो? वो इधर है ही नहीं, निकलो इधर से। क्या समझा? हम मारी से मिल के जाएंगे, अपनी बात की इज्जत ही नहीं। मारी, जब से तुम गए हम लोग बहुत परेशानी में हैं। उस पुलिस वाले ने हमारे आदमी को झूठे केस में अंदर करवा दिया है। यही नहीं मारी, हफ्ता भी तीन गुना बढ़ा दिया है। नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? मरो सच में मारी, इतने समय से हम डरे हुए थे, अब जाके हिम्मत आई है। तुम जो आ गए हो, याद है अपन के अरेस्ट होने पर सबसे ज्यादा पटाखे तुम ही लोगों ने फोड़े थे। और ये सारा तो लुंगी उतार पिटास कर रहा था। बहुत शौक चढ़ा था ना पुलिस वालों पर भरोसा करने का, अभी भुगतो। चलो अभी निकलो यहाँ से। अंकल निकलो निकलो। दिमाग में भेजा या गोबर? अच्छा खासा जा रहा था वो, बेकार में उससे पंगा लेकर उसे यहां रुकने का मौका दिया। छी! अगर वो रुक भी गया तो हमें क्या फर्क पड़ता है, सही वक्त और सही जगह पर ठिकाने लगा देंगे। देखना तो कबूतर सही हालत में है कि नहीं। आप उन सुबह आकर छोटे वाले कबूतर को चेक करेगा। ठीक है भाई, कल से इनकी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, टाइम बहुत कम बचा है। क्या है? तो क्या फिर से पीठ पे छुरा खोपने आई है? मारी से माफी मांगने आई हूँ। I'm sorry। मैंने वही किया जो मुझे उन हालातों में सही लगा। मुझे लगा कि गलती तुम्हारी ही थी। अगर सच्चाई पता होती तो ऐसा कभी नहीं करती। इतना सब कुछ हो जाएगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मैं जानती हूँ तुम्हें हर्ट हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी थी। So I'm really sorry। मारी लपेटे में बताना। मैं इतनी देर से तुम्हें सॉरी कहे जा रही हूँ, माफी नहीं देनी? कम से कम गुस्सा तो निकालो मुझ पर। ठीक है, माफ किया, जाओ। चलो मिल गई माफी, सुन लिया ना, वैसे भी चढ़ नहीं रही है। चलो निकलो। ये तेरे को मालूम है मारी ने उस आदमी पे हमला क्यों किया? क्योंकि उस आदमी ने मारी के कबूतर को मार डाला था। तू अपने दिल पे हाथ रख के बोल, क्या उस आदमी को छोड़ देते? मारी को गुस्सा नहीं आना चाहिए था? तुम लोग गांव वालों को इतना परेशान क्यों करते हो? जितनी दया कबूतरों पर दिखाते हो उतनी इंसानों पर नहीं दिखा सकते? दया क्यों दिखाए, किस लिए दिखाए दया? मारी के साथ उन लोग ने अच्छा किया। मारी जब छोटा था तब दया क्यों नहीं दिखाई? रहने के लिए घर भी नहीं था तब दया नहीं दिखाई? उसने अकेले सब कुछ किया, तब उसका साथ देने वाले ये कबूतर ही थे, यही उसके साथी बने। अगर ये कबूतर ना होते तो मारी कब का मर जाता था। मारी हमेशा एक बात कहता है, कबूतर पर भरोसा कर सकते हैं लेकिन इंसान पर नहीं। और तुमने उसकी बात सही साबित कर दी ना? उस वक्त मुझे जो भी सही लगा मैंने वो किया। ये सही गलत की बात तुम करो ही मत। माना कि अपन लोग अच्छे लोग नहीं है, पर आज तक किसी को धोखा नहीं दिया। तुम्हें क्या लगा तुम्हारे माफी मांगने से जो हुआ वो भूल जाएंगे? एक बात सुनो, जो तुमने मारी भाई के साथ किया ना, उसके बाद मारी भाई तुमसे नफरत करते हैं। अपना थोबड़ा मत दिखाना। ए, इसके मुंह मत लग, चल इधर से। बढ़िया है, माफी मांगने वाले।
अब तेरे को क्या हो गया? ए, ये तो प्रॉब्लम बताया, फुट ले चल। तुम्हारे जेल जाने के बाद ही मेरी स्कूल फीस भरने की डेट आ गई थी और हम भर नहीं पाए। तब भी मुझे स्कूल के स्टाफ से पता चला कि आप ही मेरी स्कूल फी भरते थे। मैंने फीस नहीं भरी। तुम झूठ मत बोलो, तुम ही मेरी स्कूल फी भरते थे। तुम घबराओ मत, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ए, येड़ी है क्या? बोलो ना, आपने नहीं किया। तू स्कूल जा, मजा फर्क नहीं पड़ता। चल निकल यहाँ से। उस पुलिस वाले ने तुम्हें धोखे से जेल में डाला ना? उसने तुम्हें बहुत मारा ना? बहुत दुखा होगा ना बेचारा? इतना भी नहीं दुखा, चल जाए यहाँ से। मैं तुम्हारी नहीं, इंस्पेक्टर की बात कर रही थी। तुम्हारे हाथ लगा तो वो बचेगा नहीं। ए लाउडस्पीकर, जा जा के सो जा। जा कान खजूर। अगले हफ्ते कंपटीशन शुरू होने वाला है, अब उनके कबूतर एकदम रेडी हैं। उसके बाद अपना अगला टारगेट होगा अर्जुन। वैसे भी बहुत दिनों से अपुन के हाथों में खुजली हो रही है, एलर्जी होगी। चुप कर, जल्दी अर्जुन और पप्पू पंछी के पर काटने पड़ेंगे। वो पुलिस वाला है, जल्दबाजी में कुछ भी करना खतरनाक है। भेजा ठंडा रख के सोचते हैं। इंटेलिजेंट। कोई काम नहीं है, दिन भर अपन बोर होता रहता है। कोई तो नौकरी करने का है। वहाँ इसका भेजा उड़ गया क्या जेल जाने के बाद? क्या? लेकिन आप करोगे क्या? आपको तो लिखना पढ़ना भी नहीं आता। याद है हम लोग पहले लोगों की हड्डियाँ तोड़ते थे, घर खाली करवाते थे, लोगों से हफ्ता वसूलते थे। इसको नौकरी नहीं कहते? जब से अपन जेल से लौटा है तब से देख रहे तेरा मुंह ज्यादा ही खुल रहा है। नहीं भाई, पर बताओ आपको एग्जैक्टली करना क्या? कोई भी नौकरी कर लेगा। कोई भी? अरे बोला ना कोई भी। तो अपन मुर्गन पेंटर के यहाँ लिपा पोती का काम दिला देता है। पेंटिंग करना वो तो आर्टिस्ट का काम होता है, अपन का थोड़ी होता है। लोगों की धुलाई भी तो एक तरह की पेंटिंग है ना भाई। दोनों पेंटिंग में बहुत फर्क होता है, समझ क्यों नहीं रहा है? बावला, अपन के एरिया में एक मैकेनिक है मनी, उसको भगा के उधर अपना गैराज खोल डाले क्या? उसे भगाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मैकेनिकल डाउट आ गया तो उसको वापस किस मुझे बुलाएंगे? जो भी काम बोलो। ना ना, तू अपन को वही काम बोल रहा है जो अपन कर नहीं सकता। अरे हाँ, वो रानी अक्का याद है? उसने पैसा नहीं चुकाया तो उसका ऑटो उठा लिया था। वो ऑटो अपने पास ही है। ये हुई ना बात। ऑटो के पुर्जे निकाल कर चोर बाजार में बेचेंगे। वो ऑटो अपन चलाएंगे रे। बोलने से ऑटो नहीं चलता, कुछ चलाना पड़ता है। जरा इधर पास, दूर से सुनाई देता है भाई। आजा इधर इधर बैठ जा, बैठ जा, बैठ ना भाई मारे। अरे बैठ रे। क्या बोल रहा था? अगुन का मतलब ऑटो। अरे जरा जोर से बोलना। ओ ऑटो आप चला सकते हैं? मतलब ए बोलना ऐसा क्या? ऑटो ऑटो चलाएंगे तो कल से अपन ऑटो चलाएगा। धंधे के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो अंदर बैठो, मेरा शुभ मुहूर्त नहीं है। बोला ना अंदर बैठ। लेडीज एंड चिल्ड्रन ऑलवेज फर्स्ट। बैठ रहे हैं, चल चल तू भी अंदर कुछ थोड़ा चला मुझे। अब ये क्या नया नाटक है? भाई सामने आंटी है। भाई सामान क्या? ऑटो से नहीं जा सकता क्या? नहीं मेरे पास बस का पास है। नहीं नहीं, अबे पास का डेट आज एक्सपायर हो गया रे। रहने दो। हाल लोडिंग, चलो भाई। भाई अपन रीच गए, चल भाड़ा निकाल। कितना दो? गिन रहा मैं, देख लूंगा। चल जा। अरे इतना जा। वो कच्चे लेने थे उसके पैसे तो छोड़ दो। इसका बटुआ भी ले ले रे। अरे चल 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 निकल। ये भाई रोको, पैसेंजर बैठा है। अबे ये सब खाना छोड़, तुझे हवा खिलाऊंगा। जा ताजी हवा। जा रुको, वो ड्राइवर से पूछ। ए ऑटो, पता है ये ऑटो है? वही समझ ले इसे, चल घुस जा। सर मेरे पास अपनी बाइक है। साला मैंने तेरे से पूछा किसकी बाइक है? चल अंदर घुस। चल चले ना, बोला डाल जा। ये जाने दो। चल चल चल।
रुक रुक भैया रुक रुक। अबे तेरी इतनी भाई और जमा बैठेगा। ए मेरी सब्जी, कोई मुझे किडनैप कर रहा है। ए ये लोग मुझे किडनैप कर रहे हैं। अरे जाने दो ना। ए बचाओ। मारी, उन लोगों ने हमारे नाम की एंट्री करने से मना कर दिया है। तुम जाकर बात करो ना उनसे। एंट्री की लास्ट डेट निकल गई हमारी। साहब ने और एंट्रीज लेने से मना किया है। पहला भी लास्ट डेट के बाद एंट्री होती थी। तुम मुत्तू जी को फोन लगा के पूछो ना। अब वो प्रेसिडेंट नहीं रहे। लेट एंट्री करने के लिए अब नए प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लो वो आ गए हैं, आप उन्हीं के साथ बात कर लो। तो ये घोचू प्रेसिडेंट है। ठीक है। और मारी एंट्री करवाना है। लास्ट डेट निकल चुकी है। हां थोड़ा पहले आना चाहिए था। ओ सॉरी मैं तो भूल गया था, तू जेल में था ना। एक मिनट है मैनेजर, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर आपसे ये रिक्वेस्ट करें तो ही कुछ बात बन सकती है सर। बात तो सही है। तो इससे कहो मेरे आगे गिड़गिड़ा है। गिड़गिड़ाने का है वो भी इस पप्पू मंची के आगे। मारे भाई अगले साल ट्राई करते हैं। शनि फट गए क्या? ओ फटेगी तेरी और कुछ चल भी नहीं पाएगा। मत भूलो कि अब ये एरिया मेरे कंट्रोल में है। इससे क्या फर्क पड़ता है? अच्छा पप्पू तू अपने कबूतर को रेस में उतर रहा है ना? हाँ ना। ठीक है ओके उतार उतार। इतना हंस रहे क्यों बे? नहीं कुछ नहीं तू अपना काम करे। किस बात पर इतनी हंसी आ रही है? उस बोर्ड को देख रहा है। पिछले 13 साल से आपू नहीं जीतता आया है। अभी आपू नहीं है तो तू चांस मार ले। चल 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 चल, चल। तुझे क्या लगता है तेरे कबूतर मेरे कबूतर को हरा देंगे? तेरे को डाउट है तो अपन को एंट्री दे दे, कंफर्म हो जाएगा। चल इस बार तेरे को मौका देता हूँ, भीख समझ के रख ले। मैनेजर इनकी एंट्री करवा दे। भाई छोड़ो ना, मैं भी देखता हूँ ये कैसे जीतता है। अरे मैं तेरे को मौका देता हूँ ना, इस साल जीत जा। इस बार तू हारेगा। ए चलो रे। साले का ऊपर का माला खाली है क्या? पता नहीं। ओ प्रेसिडेंट की बात सुनी, एंट्री कर। हमने मारी को रेस में हिस्सा लेने से इसलिए रोका था कि तुम रेस जीत सको। वो ये जानता था कि तुम्हारी हंसी उड़ाने से तुम उसके जाल में फंस जाओगे और उसे एंट्री दे दोगे, और हुआ भी वही। टेंशन नहीं, ट्रेनिंग के मामले में उसके कबूतर मेरे कबूतर से 3 महीने पीछे हैं, और ना ही उसके पास कबूतरों की दवाई और खाने के लिए पैसे हैं। हमने कबूतर के साथ उनके टॉनिक भी बाहर से इम्पोर्ट करवाए हैं, और ट्रेनिंग भी बहुत तगड़ी चल रही है। इस साल हम ही जीतेंगे। 4 साल से कोशिश करो लेकिन अब तक जीते क्यों नहीं? दुश्मन की खूबियों को पहचानोगे तो ही जीतोगे। तुमने कभी खेल में दिमाग लगाया ही नहीं तो जीत जाते। भले ही उसने देरी से ट्रेनिंग देनी शुरू की हो और उन्हें सिर्फ नल का पानी पिलाया हो, जीतेंगे उसके ही कबूतर, क्योंकि वो मारी है। इसीलिए तुम्हें उसे एंट्री देने से मना किया था। ए, तू कबूतरों के बारे में जानता है क्या है? है? एक बात याद रख, जैसे ही रेस का समय नजदीक आएगा तू नर्वस हो जाएगा और फिर मेरे पास आएगा, देख लेना। दाना डालने का लेकिन उसके बाद कबूतर को घूरने का नहीं, बेचारा खाना पचा नहीं पाएगा। मारी भाई ट्रायल डेट का अनाउंसमेंट हुआ क्या? अपने कबूतर कड़क तैयार हो। क्या हुआ? उसे क्यों मार रहे हो? उसने तो मुझे आने से मना किया था, मैं ही जबरदस्ती आई। वैसे भी तुम बिना बताए लोगों की मदद करते हो ना, जैसे कि वो कविता, उसकी फीस भी किसी को बिना बताए तुम ही तो भर रहे थे। किसकी फीस? उस लाउड स्पीकर कविता की? हमें नहीं बताया। चल फट। अपने अंदर की अच्छाई तुम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते? शुरुआत में मैंने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन तुम्हारे अंदर की अच्छाई अब जान गई हूँ। तुम वाकई नेक दिल हो, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, ये बात तो पक्की है। तुम चाहे कितना भी मना कर लो लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा रहूंगी। तुमको जितना हेल्प करना था तुम कर चुकी हो। मुझ जैसे गुंडे का पीछा करके तुम क्या हासिल करना चाहती हो? गुंडे होने का बड़ा नाज है खुद पर। धोखेबाज या फरीबी कहलाने से अच्छा है बदमाश या गुंडा कहलाना। ए, तू जाके हफ्ता वसूलना शुरू कर। ए, कोई भी दुकान छूटनी नहीं चाहिए। हाँ। चल जल्दी हफ्ता निकाल लाने में। अरे जल्दी कर, चल पूरा दे। ये लीजिए। नमस्ते भाई। ए, हफ्ता निकाल रहे। चल जाना। अरे कभी कभार हंस तो ले। सभी ऑटो वालों ने पैसे दिए ना? सबने दे दिया भाई। एक नया ऑटो वाला आया है। कबूतरबाजी छोड़कर ऑटो चलाना शुरू कर दिया, इसने पैसे दिया क्या? उसने हफ्ता देने से मना कर दिया भाई। उसने मना किया और तूने मान लिया? ए, पैसे निकाल। शराफत से हफ्ता दे दे वरना में और भी तरीके आते हैं।
तू जा। ए, जा ना। जिस हाथ से उठाएगा उससे फिर कभी धो नहीं पाएगा। डरपोक पट्टू साला। इले कितना हुआ चाचा? मेहनत तो हमारी जरूरत थी। अच्छा एक अकेले आदमी से डर गए? अरे वही हाथ पैर तोड़ करके दफना देना चाहिए था। इनको क्या पता, फटके तो हमने खाए थे। क्या बोला? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। छोड़ो, इस बार जाने दो, एक जन के हफ्ते से फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोगों से पैसे क्यों वसूलते हैं? वो पैसे हमारे लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। हम उन गरीबों से छोटी छोटी रकम इसलिए लेते हैं ताकि उन पर हमारा कंट्रोल बना रहे। अगर किसी एक ने भी मना किया तो उनके दिल से हमारा डर निकल जाएगा, और ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के कल इसका इलाज होगा। जेल जाने से पहले ये चेन काफी भारी हुआ करती थी, ये अचानक से इतनी हल्की कैसे हो गई? सारे चेन शनिवार के पास थे। कोई झोल तो नहीं किया इसमें? ये अपन को सोना नहीं खाना पसंद है, और वैसे भी अपन खुद क्या खरे सोने से कम है क्या? बोल मारी भाई, वर्दी वाला। अरे यानी ये सच है, मारी ऑटो चलने लग गया है। मुझे लगा था कि यहाँ का एक्स दादा जेल से छूट कर फिर से गुंडागर्दी और हफ्ता वसूली करेगा, लेकिन इसने तो अपनी लाइन ही बदल दी। मैंने सुना है मारी, तूने पप्पू को हफ्ता देने से इनकार कर दिया। तू तो यहाँ से भागने वाला था ना, वही अच्छा होता। दो कौड़ी की औकात नहीं रह गई तेरी, ये बात अपने दिमाग में बैठा ले। अपनी कोई औकात नहीं है, तो उन लोग का चमचा कैको बन के आया है? उन लोग की तरफ से बैटिंग कर रहा है क्या? लगता है इस ऑटो ड्राइवर के अंदर अभी भी पुराना मारी जिंदा है। क्यों? उसे मर जाना चाहिए। सिगरेट नीचे फेंक। ए, सिगरेट नीचे फेंक। मारी भाई, मारी भाई। ए, उसको काय को मार रहे हो आप? रुको मारी भाई, वो पुलिस वाला है, पंगा हो जाएगा लंबे वाला। सर अपन को झगड़ा नहीं चाहिए, जाने दो। क्यों जाने दो? मैं झगड़ने ही आया हूँ। सर सर काय को मार रहे हो सर, सर जाने दो। नहीं सर, सर। नहीं नहीं सर, मारिए सर। क्या बोल रहे हो सर? अरे सर मत मारो। अरे मारी भाई संभालो। सर 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 काय करिए सर? अरे सर मारी भाई, मारी भाई संभाल। मारी भाई सर। अरे सर जाने। सर बस 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 बहुत हो गया सर, सर बहुत हो गया सर, सर छोड़िए सर, सर 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 चल हट। नहीं सर रुको, बस बहुत हो गया। याद रहे यहाँ का नया बॉस मैं हूँ, समझ गया? अपने कबूतरों को लेके यहाँ से फुर हो जा, नहीं तो एक कुत्ते की तरह अपनी दुम दबा के बैठा रहे। जब भी मूड करेगा तुझे पीटने आ जाऊंगा। आज से तू मेरी धुलाई की दुकान है। ए, सिगरेट दे। वो क्या है ना, मच्छर अगर सोते हुए आदमी को काट ले तो वो हीरो नहीं बन जाता, अगर जागते हुए आदमी को काट लेना तो उसको मसल दिया जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। साला पुलिस की वर्दी पहनकर आएगा तो किसी को भी पकड़कर मारेगा क्या? कभी बिना वर्दी के यहाँ के दिखाए? अभी अपन चुप नहीं बैठेगा मारी। मैं बोलता हूँ अभी अपन लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। वेलू भाई को जेल से निकलना होगा। ये कमीना उन्हें निकलने नहीं देगा ना। अरे कहाँ जाता, कहाँ भाई से मिलने का है? चल चल चुप चुप। अरे चलना। मारी भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मैंने उसकी मदद की पर मुझे नहीं पता था वो बुरा आदमी है, वरना मैं उसकी मदद नहीं करता। अपन को उसकी सारी जानकारी चाहिए, और अपन जानता है वो सारी जानकारी तेरे पास है। चलो गल
बताया तो नौकरी से मेरी छुट्टी कर देंगे। अभी मुंह नहीं खुलेगा तो दुनिया से तेरी छुट्टी कर देंगे। वो चलेगा क्या? वो लाल चंदन की स्मगलिंग कहाँ कहाँ करता है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये काम वो पप्पू पंची के साथ मिलकर करता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। वहाँ के आदिवासियों की मदद से वो जंगलों से लाल चंदन के पेड़ काटते हैं और उन्हें अपने गोदाम तक ले जाते हैं। गोदाम में वो उन लकड़ियों को कटवाता है, टोल नाका और पुलिस से बचने के लिए ड्रग्स की बजाय उन्हें बड़ी बड़ी कारों में लोड करता है और जंगल के रास्ते से उन्हें अपने क्लाइंट तक डिलीवर करता है। एक टन चंदन की कीमत भारत में तकरीबन 20 लाख रुपए होती है, परंतु इंटरनेशनल ब्लैक मार्केट में उस एक टन रेड सैंडल के लिए 50 लाख से 80 लाख रुपए मिल जाते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है। इस स्मगलिंग की वजह से गवर्नमेंट को हर साल करोड़ों रुपए का लॉस होता है। अलादीन का चिराग, मतलब माल मिल गया, दे दो 5। हेलो सर, पुलिस स्टेशन पे कुछ प्रेस वाले आए हैं, आपने उन्हें बुलाया था? क्या कहा, प्रेस वाले? जैसे ही हमें पुलिस ने खबर दी कि उन्होंने लाल चंदन की तस्करी करने वाले को पकड़ लिया है और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। अरे देखिए हमारे अर्जुन सर आ गए, जाइए जाइए उनसे पूछिए, फोटो लीजिए उनकी। बहुत बड़ा काम किया है इन्होंने, लेकिन देखो क्रेडिट नहीं ले रहे। थैंक यू वेरी मच अर्जुन सर, वेलकम। हमारा डिपार्टमेंट आपका आभारी रहेगा, ऐसे कारनामे आप अक्सर करते हैं। ऐसे काम करने का बहुत शौक है इन्हें, ऐसे ही काम करते रहो। सर इधर, ये सब क्या चल रहा है? सर क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, बढ़िया काम किया है आपने। क्या काम? सुबह जब मैं आया तो ये लाल चंदन की लकड़ियां पुलिस स्टेशन में ही थी और स्मगलर्स लॉकअप में। मैं समझ गया फिर से ये कारनामा आप ही ने किया है, तो मैंने ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला लिया। परमिशन मिलेगी क्या? तो फोटो में रिकॉर्ड हो जाएगा सर। थोड़ा लेफ्ट में। सुन, मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। इतनी बड़ी कामयाबी के पीछे कोई तो राज जरूर है, कुछ तो झोल है। और नहीं तो क्या, देखा कितनी परफेक्ट टाइमिंग से स्मगलर लोगों को पकड़ा है। मुझे तो पहले इन्हीं पे डाउट आ रहा था कि कहीं ये तो... अरे ये तो शराफत की मिसाइल है। सच में? मुन्ना तू सोच रहा है कि तेरे ही गोदाम का माल पुलिस स्टेशन पर कैसे पहुंचा है? जितना तू सोच रहा है ना उतना तेरा कंट्रोल नहीं है ऑफिसर। इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वादा करता हूँ मैं और मेरे साथी किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमने तेरी लकड़ियां ही नहीं पकड़वाई बल्कि तेरे आदमी को दो लाफे मार के उससे सच भी उगलवाया। वो उस रेवेन्यू ऑफिसर को सच बताने के लिए भी तैयार है। सोच अगर उसने ऐसा किया तो तेरा क्या होगा, बोले तो प्रेस के सामने तेरा स्पीच करवा दे क्या? ये साला तो वही मच्छर है जो अपन उस दिन सो रहा था तो अपन को काट रहा था। ये वही है? उस दिन अपन क्या बोला था कि अगर जागते हुए इंसान को काटेगा तो सीधा एक झटके में मसल दिया जाएगा। आत्मा उड़ गई वर्दी के साथ। क्या चाहते हो? वेलू भाई की रिहाई। ये कैसे हो सकता है, उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है। क्या ऑफिसर, टेढ़ी उंगली से घी निकलना तेरे को सिखाना पड़ेगा क्या? अरे अपने किसी आदमी को फंसा के उसको अंदर डलवा दे, नहीं तो पुख्ता सबूत आपके पास भी है। ए, धुलाई की दुकान। प्रेजेंट सर। अरे ये बस ऐसा ही माइक टेस्टिंग कर रहा था। अरे कोई तो इंटरव्यू लो इनका। अरे इतना बड़ा काम किया है, पूरा एरिया को साफ कर दिया है बॉस। वन बाय वन आने करे, सबको मिलेगा इंटरव्यू और फोटो। क्या आप उनको दुआ में याद रखना ऑफिसर। चले अट्रे, चलो साहब का इंटरव्यू। वेलू को छोड़ोगे? ऐसी गलती मत करना। तुम उसके दुश्मन थे पर मैं उसका खास आदमी था और फिर भी मैंने उसे धोखा दिया। मेरा नाम सुनते उसका खून खोलता होगा। बात सिर्फ इतनी नहीं है सर, अगर वेलू बाहर आ गया ना तो मारी के और भी पर निकल आएंगे। तो क्या चाहते हो, तुम्हारे लिए अंदर हो जाऊं? अब तुम्हारा आदमी रंगे हाथों पकड़ा गया है तो मैं क्या करूं? तुम्हें सिर्फ एक डिलीवरी का काम सौंपा था, वहां भी तुमने अपनी कमजोरी दिखा दी। देखो उसका क्या नतीजा हुआ है। जल्दी से कुछ सोच ले, कोई गड़बड़ी हुई तो सब फंसेंगे। अब इसका एक ही उपाय है और वो है वेलू की रिहाई। जेल जाने के बाद पॉलिटिशियंस ने उसके ऊपर से अपना हाथ खींच लिया है। अगर वो बाहर भी आ गया तो पुलिस वाले के खिलाफ अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, संभाल लेंगे उसे। तू तो पुलिस है, बच जाएगा। उसने हमें टारगेट किया तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन सर हम लोगों का क्या होगा? देखो तुम्हारा ड्राइवर पकड़ा गया है, अगर मैं चाहता ना तो तुम्हें वहां फंसा के निकल सकता था। शुक्र करो कि मैंने ऐसा नहीं किया, आइंदा से ऐसी गलती ना हो वरना शायद उस वक्त मैं कुछ ना कर पाऊं। देखा भाई इसके तेवर कैसे बदल गए, साला सुमड़ी में धमकी देकर चला गया। इस पर नजर रखनी होगी।
हटो, हाँ हटो। ये हार लाया ना भाई, ये लो फूल पाला। ए भाई ये चद्दर पीछे। बेलू भाई वेलकम वेलकम, कम कम। अरे मारी बेलू भाई। बाबू बेटा, ए मेरे लाख मना करने के बाद भी तू वहां गया था, हाँ ठीक तो है ना तू? हाँ मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। लेकिन जेल से कैसे छूटे? पहले तो पुलिस ने वेलू भाई को रिहा किया, हाँ। फिर इंस्पेक्टर अर्जुन ने कहा कि हम सब निर्दोष हैं और हमें छोड़ दिया। मारी नहीं होता तो हम जेल से नहीं छूट पाते। जब मुझे तेरी रिहाई की खबर मिली तो मैं जान गया कि तू किसी भी तरह मुझे जेल से छुड़वाएगा, लेकिन इतने स्ट्रांग एविडेंस को तूने ऐसे ही वेस्ट कर दिया। वेलू भाई आप हार आ गए, इससे ज्यादा हम लोग को क्या चाहिए? अगर हम फिर से रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाकर उनकी शिकायत करें तो उनके ऊपर केस चल सकता है, उनको आसानी से नहीं छोड़ना है। आपको लगता है आपको अंदर करवाने वाले को ऐसा ही छोड़ दूंगा? उसकी आप उन्हें स्पेशल खातिरदारी करेगा। अरे वो सब छोड़ो ना भाई, कल को दिवाली है और आप भी जेल से बाहर आ गए हैं। एरिया को दिखा देंगे असली दिवाली किसको बोलते हैं। भाई रोको रोको रोको, बस बस हाँ चल रहे उतार। वो भाई भाई एक मिनट, वन टू थ्री फोर, वन टू वन स्टॉप, वन टर्न, वन टू वन नो। क्या बे सुखा बुमेल, बीच में क्या गुआरी लाई कल? रिंगा रिंगा रोजेस, किधर तू रे, किधर घूमता इतने दिन से? तू भी घूमे चल, चलो रिक्शा में बैठेगा। अबे इधर आ भाई, तू भी रिंगा रिंगा रोजेस चल। ये अंकल अंकल, ए टकलू हैवान किधर जा रहा है? देखा आते ही फिर से गुंडागर्दी शुरू कर। ये बकवास मत कर, इसी की वजह से तो हम जेल से छूटे हैं। चल चल बढ़ ले, बाल कटा गया कल नाच। धन्यवाद मारी, तुम्हारी वजह से ये सब जेल से छूट पाए। अच्छा स्टूपिड ओल्ड मैन, इन लोगों को किसने छुड़ाया? आपने तो वेल्लू भाई को बाहर निकाला, ये सब तो वन पे वन फ्री था। चलो 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 फुट लो यहां से, फुट लो फुट लो फुट लो। ए डूड ए, देखो सब कैसे लाइन पे आ गए। नमस्ते भाई। गंजे अंकल हाउ इज फाइन है, एवरीथिंग कूल कूल, गोभी का फूल। ये फिर से आ गए हमारी दिवाली। ए चलो सब वसूली पे लग जाओ। चल छोटे तू वहां से वसूली शुरू कर। फट गई। अजी सुनते हो, इन्हें रफा दफा तो करो। ए हफ्ता निकाल भाई, दिवाली का टाइम है। तेरी दिवाली है, मेरी दिवाली नहीं है क्या? चल चल जल्दी निकाल। ए आके तेरी दुकान तोड़ू क्या? पैसा निकालता है वरना यही तेरी आरती उतारू। ए मारी जल्दी से पैसे निकालो ना। बेचारा प्लीज भाई साहब आप लोग भी दे ही दो। निकल इधर से वरना अगला पटाखा तेरे धोती में फटेगा। चलो रे आ जाओ गाड़ी में बैठो। मारी रिस्पेक्ट लेडी। आप उनका हर बार का जितना वसूली होता है उतना उठा ले, बाकी सब लौटा दे। हैप्पी दिवाली, आई लव यू ऑल।
अपने कबूतरों की ट्रेनिंग की क्या रिपोर्ट है? 50 छोड़े थे, 20 वापस आए हैं। और मारी के कबूतर? 30 छोड़े थे, 300 वापस आए हैं। क्या असरा क्यों है बे? याद है मैंने उस दिन क्या कहा था? जैसे जैसे रेस के दिन नजदीक आएंगे तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तू इसमें क्या मदद कर पाएगा? अगर कबूतर ही ना रहे तो? ए, ऐसा सोचना भी मत, भूल जा। ये कबूतर रेस एक बहुत ही सीरियस मैटर है। ए, इस पर नजर रखना, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। अर्जुन सर, आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, अब और कुछ मत कीजिए। किसने कहा कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ? मैं तो उसे दर्द देना चाहता हूँ, ऐसी चोट दूंगा कि तड़पता रहेगा। पप्पू भाई को बगैर पूछे कुछ मत करना सर। जो करना था मैं कर चुका। अपुन के 10 कबूतर जल गए। जब आग लगी तो अपुन में से कोई भी डर नहीं था। हसीना ने अपनी जान पर खेलकर बाकी के कबूतरों को बचा लिया। वो सही वक्त पर नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। कबूतरों को बचाते बचाते बेचारी ने अपने हाथ भी जला लिए। अगर ये नहीं आती तो सब कुछ खत्म हो जाता भाई, हमारे सारे कबूतर जल के राख हो जाते। मारी भाई, कबूतर एक जले हुए पिंजरे की तरफ लौट कर कभी नहीं आते, वो डर जाते हैं, तो हमारे कबूतर भी कभी नहीं लौटेंगे। मारी, अपुन की बात को गलत मत समझना, अपुन को इधर से निकल जाना चाहिए। इधर अभी अपुन के लिए कुछ नहीं बचा मारी भाई, अभी काय को इधर घुट घुट के जीने का। वेलू भाई वापिस आ गए हैं ना, वो अपने आप सब कुछ संभाल लेंगे। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। वो लोग हम पे हमला कर सकते थे, हमारे बेजुबान कबूतरों को उन्होंने क्यों मारा? जानता हूँ आप अपुन की बात नहीं सुनोगे, पर अपुन आपको ऐसा दुखी नहीं देख सकते मारी भाई। चलो अभी चलते हैं इधर से। ये धुलाई की दुकान, तू जाके गाड़ी लेके और सामान डाल उसमें। जा बोला ना। शनि वहां देखो, कबूतर जले हुए पिंजरों के पास लौट के नहीं आते ना, फिर ये काय को आ गए? क्योंकि ये कबूतर इसे ही अपना घर मानते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं मानते।
ये आप उनका घर है। मैंने कहा था ना इस मैटर से दूर रहना। उन लोगों को पता चल गया कि वो आग मैंने लगवाई है तो मुझे कबूतर रेसिंग से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। तो क्या फर्क पड़ता है, पागल है क्या? कहा था हम सबको फंसा देगा। ए, चिल्लाना बंद कर। सिर्फ मेरी वजह से तुम आज इस पोजीशन तक पहुंच पाए हो। ऐसा क्या रखा है इस रेस में? खामखा बात का बतंगड़ बना रहा है। तू ये बात नहीं समझ पाएगा, ये हमारे पुरखों के जमाने से चला आ रहा है। तू अब से इसके ऑर्डर्स मानेगा? भाई हाथ मत उठाओ। खामखा आप हीरो बनने की कोशिश मत करो, असली हीरो तो अर्जुन सर हैं। ओ तो अब तुम इसको सपोर्ट कर रहे हो, गधे कहीं के। जानते हो मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है? मारी के कबूतरों को हाथ लगाकर बहुत बड़ा रिस्क लिया है। कैसा रिस्क, क्या कर लेगा वो? वो सिर्फ एक अच्छे मौके का इंतजार कर रहा था और तुमने उसे वो दे दिया है। वो कभी भी हमला करेगा। इसमें कोई गलती नहीं हमारी। मारी उसको मत मारो। तो पुलिस वाला है यही सोचकर अपुन अब तलक चुप बैठा था, लेकिन तूने अपुन के कबूतरों को मारा तो अपुन ने भी तेरे को काट डालने की सौगंध खाई और हिसाब चुकता करने के लिए इधर आ गया। मारी मुझे माफ कर दे। मेरी बात तो सुन। रुक जा मारी, रुक जाना, मेरी बात तो सुन। मैंने उस पुलिस वाले को मना किया था लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। उन पिंजरों को जलाने में मेरा कोई हाथ नहीं था। उसने आज तक जितने भी गलत काम किए मैं उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हूँ। अपन तो फरिश्तों पर यकीन नहीं करता तो शैतान पे कैसा करेगा? गवाही देगा? तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है? इसे मारकर मैं यह साबित कर दूंगा कि तूने बदला लेने के लिए इसे जान से मार दिया। yeah!
ये क्या किया गया साले? मैंने कहा था ना इस पे भरोसा मत करना। चलिए भाई उठिए। सर आप ठीक तो है ना सर? ओके। ए, रुचा। फिर से बोल। जो हर बार बोलता है कि काट डालूंगा, देख मैंने तेरा ही पत्ता काट दिया। अब सारी उम्र तू जेल में सड़ेगा। ए, लेके जाओ साले को। ए, क्या करे तुम लोग? इसने तो हमारी मदद की थी, मुजरिम तो वो है, पकड़ो उसे। हे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। सर आप मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो? बस कर अपना नाटक, तुम्हारे खिलाफ हमें सबूत मिला है। मेरा एक आदमी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में आ चुका है, खोई हुई पावर मुझे वापस मिल जाएगी। बस एक ऐसा विटनेस चाहिए जो अर्जुन के काले धंधों की सारी पोल पुलिस और कोर्ट के सामने खोल सके। विलू भाई, आप और मारी भाई मेरे साथ हैं तो मैं कोर्ट में सब कुछ बताने को तैयार हूँ। क्या बोला तू? आप उनका पत्ता काटेगा? मस्त रैपचिक डायलॉग था, मजा आ गया। और सुन, गलती से जेल के बाहर मत आना, अंदर ही रहना, तू उधर ही सेफ रहेगा। डिसाइड ही नहीं कर पा रही कि तुम अच्छे हो या बुरे। इसमें डिसाइड क्या करने का? आपुन तो बुरा ही चाहे। जो अच्छे लोग होते हैं ना, वो कभी भी बुरे बन सकते हैं। और जो बाहर से अच्छे दिखते हैं और दिल के बुरे हों, उनसे डर लगता है। लेकिन जो ओपनली कहे कि मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन हो वो दिल का सच्चा, दिल उसे देना चाहिए। जैसे कि तुम। मतलब क्या है तेरा? मतलब पहले मैंने जो तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ, तो अब जो मैं तुम्हें जान गई हूँ, अब जो भी कहूंगी सच कहूंगी। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अरे नहीं मैडम, भाड़ में गया प्यार व्यार, ये लव के कैरेक्टर में अपन सूट नहीं करता है। अपन के पास अपन के ये कबूतर है, दो फंटर लोग हैं और परेशान करने के लिए गांव वाले हैं ना। अपन एकदम हैप्पी और जॉली कैरेक्टर है, एक काम हो सकता है, तू बोलेगी तो अपन फ्रेंडशिप रखने को तैयार है। ओके बाय। ए भाई, ये सेल्फी निकलना अपन लोग का, इधर हाँ दोनों का, इसी नीचे ए, डाल चादर डाल। मारी, अर्जुन के जाने के बाद एरिया में कितनी शांति हो गई है ना। एक बात कहूँ मारी, बिना प्रोटेक्शन मनी दिए जो खुशी मिल रही है ना, वो हम सबके चेहरे पर दिख रही है। इस सब के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करें मारी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। बंडल मार रहा है।
आप उनके जेल में रहने से आप उनके धंधे का जो नुकसान हुआ, तुम लोग को जेल से छुड़ाने का जो खर्चा हुआ, इतने टाइम से जो प्रोटेक्शन मनी तुम लोग ने नहीं दिया, प्लस सर्विस टैक्स और स्वच्छता टैक्स, कितना हमारे 7 लाख, पूरा 7 लाख देने का है। अगर ये पैसा तुम लोग अपन को सही तरीके से नहीं देगा तो दूसरे तरीके से वसूल करेगा। ये क्या बोल रहा है? जय कबूतर। फिर करीना मारी ने कॉमेडी। इसकी ट्रेजेडी है। अपन सीरियस बात कर रहा है और तेरे को कॉमेडी लग रहा है? एक महीने में पैसा अपन के अकाउंट में ट्रांसफर करने का, वरना तेरे को हम लोग ट्रांसफर करवा दूंगा, समझा? चल निकाल। तो मारी तो फिर से गुंडागर्दी पर उतर आएगा क्या? अपने कभी शराफत का ढोल पिटाया क्या? मारी गुंडा था और गुंडा ही रहेगा।